तो धन्यवाद मैं देता हूँ मंत्री साहब, ये 9 वर्षों से जो मोदी जी बोले हैं, जो दिखाई दे रहा है कि वो सच है क्या? हाँ, क्या मजाक बना हाँ, रखे आप? 25 बिहार में नीतीश जी के नाम पर मैंडेट है। नीतीश जी नेता है, उनको जुमलेबाज नहीं 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 नीतीश जी के मैंडेट है। नीतीश जी उन्होंने ही कहा खुद कि मुझे चुनाव के समय में रणनीति तय करना पड़ता है, और हमने कहा था कि 15 लाख रुपया मैं जनधन खाता में दूंगा। हमने पूछा उनको कि ऐसा बोले थे, क्या हुआ? गड़बड़ा दिया, ये मेरा चुनावी जुमला था। अरे भाई बोल रहे डबल इंजन की सरकार साहब, बोलिए ऐसे किसी के पक्ष में कोई बात नहीं, कोई पक्ष नहीं है। मैं नेता नहीं हूँ भाई, कोई पक्ष नहीं है। वर्तमान दौर में अगर लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के नामों को बेचा है, जी बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहेब अगर आज के देश में किसी आदमी का सबसे ज्यादा नाम बिक रहा है तो बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहेब को सारे पार्टी वाले अपने बैनर पे लाते हैं, उन्हीं ला रहे हैं जो उनको गाली देते थे। सही बात, सही लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर अम्बेडकर है, कुछ लोग कहते हैं उनके चेला चबैया है, लेकिन ये चेला चबैया नहीं, उनके नाम को बेचने वाले ब्रोकर है। एक नंबर बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश में पूरे लोग जात पात पर निर्भर है। मैं जात पात पर निर्भर नहीं, मुझे स्पष्ट तौर पर कहने आता है कि बंगाल अगर 34 साल के बाद बंगाल को खोया है वामपंथों ने, उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार व्यक्ति वामपंथ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ, लेकिन आप ये नहीं कहिएगा। एक बात मैं खुल के कह रहा हूँ कि बात राजनीति पे शुरू हुई, हिंदू मुस्लिम पे आ गई, ये हमारे देश का बात जाएगी। राठौड़ जी, ये भारत की खूबसूरती है, आप हिंदू मुस्लिम मत कहिए, ये भारत की खूबसूरती है, हमारी डाइवर्सिटी हमारी खूबसूरती है। अगर इस देश में हिंदू है तो मुसलमान भी है, सिख भी है, और तमाम जाति है, और तमाम जातियों से कहना हुआ जो भी बातें चलती है, वो टर्न लिया है हिंदू मुस्लिम का, और उससे लोगों में कई कह की बातें फैलती है। अब नई पीढ़ी के राठौर रखे, राठौर जी नई पौध है, नई पीढ़ी के हैं, और निश्चित तौर पर स्वाभाविक चिंता जो उनकी है, मेरी भी चिंता है, मेरी भी चिंता है। हिंदू मुस्लिम की सियासत बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम की सियासत कभी अच्छी नहीं रही, लेकिन मैं जोर कहूंगा देश में इसकी आलोचना कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं, नहीं है बिल्कुल बाजीगर नहीं है, कैसे नहीं है? सिर्फ सत्ता बदल गई, नीतीश जी वहाँ चले गए, नीतीश जी यहाँ थे तो बहुत अच्छा थे, ऐसा थोड़े होगा। अरे जब आपको भाजपा भगा हो, गांधी मैदान से आपकी रैली छीन ली, और आपको बिल्कुल आपको लगा आपको इसी में तकलीफ है, आपको इसी में तकलीफ है, और आप मिलर स्कूल चले गए, आप जब मिलर स्कूल चले गए तो आपको तकलीफ हो गई। आपको ये गरीबों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी, सतुआ बांध के गांधी मैदान पहुंचने वाली पार्टी है, प्याज सतुआ लेके जाने वाली पार्टी, कैडर बेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सामने आप नहीं हो पा रही। ये बात आप कर मंत्री साहब, सुनिए नहीं आ रहा, इसकी चिंता हमको हो रही है, लेकिन लेकिन नीतीश कुमार किंग मेकर है, 16 सीट लेके जा रहे हैं किंग मेकर। मैं वामपंथ पर बोलिए बोलिए, आपका कटास हुआ कि वामपंथी इतना ईमानदार, इतना अच्छे पार्टी बिल्कुल से अच्छे है, सतुआ और मैं कहता हूँ कहीं से अच्छे पार्टी नहीं है। तो पता लगा इससे स्टूडियो कम्युनिस्ट को मत फुलाइए, मैं जानता हूँ इस देश की जनता को, तो तय है ना कि यही कम्युनिस्ट अच्छा है ना कि फेसबुक लाइव के बाद आपके सुप्रीमो, आपके पार्टी के सुप्रीमो आपका पत्र नहीं लिखेंगे। नहीं, कम्युनिस्ट का भी नेता इसी में फुलल है, काम बड़ी अच्छा है। मैं पूछना चाहता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से, आप एक नंबर बोले थे कम्युनिस्ट पार्टी जो है अपना बर्बादी कर रही है, एक नंबर क्रांति जी एक नंबर बात बोल रहे हैं, आप बोलिए कि सर्वहा समाज को, महाराज जी जो गरीब गुरबा के समाज को, गरीब गुरबा समाज को जो है, अगर बोलने दीजिए शांति से, क्या मजाक बना रहे, बोलिए हम तो समर्थन कर रहे हैं, बोलिए हम तो समर्थन कम्युनिस्ट पार्टी पर था। हाँ बोलिए, बड़े अच्छा है, बड़े बढ़िया है, बड़ी सुंदर है, कथी से सुंदर है। मैं भी आज इस आपके चैनल के माध्यम से कम्युनिस्टों को पूछना चाहता,
कि देश में आप विपक्ष में थे, राज में भी विपक्ष में थे, ललित नारायण मिश्र जब मुख्यमंत्री था, जगन्नाथ मिश्रा आप विपक्ष में बैठते थे, आपका क्यों ये दुर्दशा हुआ, मैं वामपंथों से पूछना चाहता हूँ। सरकार किसकी बनेगी तो मैं आपको लिख के देता हूँ, इसको लिख लीजिए, सरकार जनता की बनेगी, जनता बदलाव के मूड में है। बस हो गया, मेरी कम्युनिस्ट का जवाब है, आपके पास साहस नहीं है, आपके पास साहस नहीं है। मैं कम से कम अपने नेता के बारे में क्या बोलूं, कम्युनिस्ट की सरकार बनेगी, आप ये कहने का नहीं कर पा रहे ना। अरे कम से कम अपने नेता को तो डिफेंड कर लीजिए, अपनी पार्टी को तो बचा लीजिए, लेकिन हमको देखिए हम किसी दल में रहने के बारे में कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हमने कब कहा की लड़की पढ़ाओ की जगह, हमने हमने कब कहा की मॉडल वही है, इनको हिंदुस्तान में नहीं मॉडल है, इनकी भी आदत बीजेपी वाली है, पूरी दुनिया में बात करते हैं, पूरी दुनिया में ग्लोबल लीडर बन के हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर उभरा है, इस पे किसी को शक है क्या? आप भी शाहनवाज हुसैन से कम नहीं है, आप उसे शक नहीं है। लीजिए क्रांति जी हमको शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं, आप हमारा पड़ोसी है, आप बोले किसी को शक है क्या? तो राठौड़ जी सवाल उठा, राठौड़ जी तो पहले ये सोचे ना कि बिहार में कहां से जाएंगे। मंसूरी जी तो बता रहा हूं, इनके क्यों जा रहे हैं मंसूरी जी, आपके अनगिनत पोस्ट मैं उल्टा के देख सकता हूं। बिल्कुल, मैं सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं मानता, मैं एक आपको कार्टून बताता हूं कि एक बच्चा कहता है अरे नीतीश तो पलट गए, तो बोला की बोले मैं पलट गए तो की बोले तू बुर्बक थी की, तो नीतीश कुमार छे ओकरा एगो पैकेट में जो छे इस्तीफा रहे छे तो दूसरे पैकेट में शपथ पत्र रहे छे, तो ये होत रहे छे, तो चल अपन काम। इतिहास में पहला आदमी पैदा हुआ होगा, ये भी बिहार के लिए गौरव की बात है, ये गौरव दूसरे के हाथ में क्यों नहीं है? राठौड़ जी राठौड़ जी ये गौरव किसके हाथ में क्यों नहीं है? किसके पास ताकत है आज के डेट में बताइए, भारत की राजनीति में ऐसा कौन है? द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स के इस लाइव प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक फिरोज मंसूरी जी और AIYF के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शंभू क्रांति जी और AIYF के नेता हर्षवर्धन सिंह राठौर जी। आज हम बिहार की मौजूदा जो सियासत है उस पर बात करने जा रहे हैं और आप लोग भी जो भी हमारे दर्शक हैं वो जुड़ जाए और आप लोगों के पास भी जो सवाल है आप हमारे जो गेस्ट हैं उनसे पूछ सकते हैं और ये आपकी बात का जवाब भी देंगे बिहार की सियासत पर, जो अभी बताने की जरूरत नहीं, सभी लोग वाकिफ हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, क्या कहेंगे? आप कह रहे थे कि बिहार 2024 के चुनाव में किंग मेकर नीतीश कुमार होंगे, ये किस बिना पे आप कह रहे हैं? देखिए मैं इस बिना पे कह रहा हूं कि आप देखिए कि एनडीए गठबंधन जिसमें एनडीए गठबंधन में नीतीश जी गए और एनडीए गठबंधन की पूरी तैयारी, सीट शेयरिंग तक का मामला क्लियर हो रहा है, किनको कितना सीट मिलेगा, कहां कहां से कौन चुनाव लड़ेंगे, यह बात भी पूरी तरह से सामने आ रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन को आप देख लीजिए, अभी तक कहीं से कोई ना सीट शेयरिंग है ना तो कहीं से कहीं कोई बात हो रही है, बल्कि धीरे धीरे ऐसा लगता है कि एक एक जो मजबूत साथी इनके थे, जितने भी टॉप लेवल के साथी थे, वो धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। इसकी पहली बानगी है बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी, वो इंडिया गठबंधन से सीधे सीधे उन्होंने कहा कि हम इसको दो सीट देंगे, तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ममता बनर्जी जो है ममता दीदी नहीं लड़ने जा रही है साथ में चुनाव। दूसरा है कि इनके सबसे जो मजबूत असली किंग मेकर थे उस समय तत्कालीन समय में इंडिया गठबंधन के, वो थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने 18 दलों को एक मंच पर बैठा दिया, 28 दलों को जो है साथ में खड़े कर लिए, लेकिन बाद में पता चला कि इन लोगों की लापरवाही, इन लोगों के अपने कह सकते हैं कि पूरी तरह से लापरवाही और निकम्मेपन की वजह से लास्ट में उन्होंने को समझ में आया और वो जाके जो है इंडिया गठबंधन में आए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार जी होंगे किंग मेकर। क्या आप शंभू क्रांति जी आप सहमत हैं इनकी बात से? माने हमको आश्चर्य लगता है मंसूर साहब को, इन्होंने बोले कि कई बार सहमति के बाद इन्होंने इंडिया गठबंधन में आया है। मैं सीधा तौर पर कहना चाहता हूँ, कई बार में एक बार पहली बार गए इंडिया गठबंधन के साथ क्या, कि कई बार गए, उनको तो पते नहीं है नीतीश कुमार को
हम कौन दल में जाए, कौन में हमको मैंने टाल पासंग जैसे होता है बेनिफिट अभी तक खोज रहे हैं। हम तो नीतीश कुमार पर सीधा तौर पर कहेंगे उनको बिहार लेवल पर आम जनता किसान मजदूर के तौर पर उनको कोई भी स्नेह और श्रद्धा नहीं है, नहीं तो कई बार उन्होंने बदला है संगठन को। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी से कि हम पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री कई बार आप रहे और बिहार के लिए आम आवाम किसान मजदूर नौजवान छात्र मित्रों के लिए आप क्या सोचते हैं? सिर्फ आपका यही मकसद है कि नीतीश कुमार माने कई बार मुख्यमंत्री बने रहे, नवी बार हो गया, माने 13वां बार जा रहे हैं वो, इसका मतलब है कि जनता के प्रति उनको कोई स्नेह और श्रद्धा नहीं है। आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से कि मैं इनके बातों से सहमत नहीं हूँ, ये तो टाल मटोल करने का बात किया मंत्री साहब। 2024 में नीतीश कुमार जी क्या रहेंगे? 2024 में मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर अगर आम जनता किसान मजदूर नौजवान छात्र मित्रों इस पर विचार करे, इस पलटू राम पर कि पलटू राम क्या सोच रहे हैं, मुझे क्या करना है। 1947 में देश आजाद हुआ, देश आजादी के समय में हमारे पूर्वजों ने क्या कहा था इस समाज के लिए, इस देश के लिए, उस देश के आधार पर उन्होंने नीतीश कुमार टिके हुए हैं कि नहीं है, उन पर विचार लेना चाहिए। किसान मजदूर नौजवानों को विचारना चाहिए कि हम अपने देश को कैसे बचाएं। मैं तो सीधी तौर पर कहना चाहता हूं कि जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल नेता है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ में अंधा है, वो किसान मजदूर नौजवान आम लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको अपना सत्ता और अपना कुर्सी बचाने का आवश्यकता है। और जनता को सोचना पड़ेगा कि कुर्सी बचाने के लिए जो करता है, हम जनता लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई जनता आप विचार करो, 1947 में देश की आजादी में भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी का जो विचार था, उस विचार को हमारे पूर्वजों ने ध्वस्त कर दिया। हमारे पूर्वजों ने सिर्फ ये चाहता है कि हमारा कुर्सी कैसे बचा रहे, हम कैसे सत्ता मरे, इस पर हम आम लोगों को विचार करना पड़ेगा। हम आगे इस रणनीति 24 में हम रणनीति बनाना चाहते हैं, किसान मजदूर के बीच हम जाना चाहते हैं कि हम अपने बात को रखना चाहते हैं कि देश के लेवल पर नीतीश और बिहार में लालू है, ये दोनों का कर्तृत्व को हम बेहद पैमाना पर फैलाना चाहते हैं। क्या कहेंगे राठौर जी, आप क्या विचार रखते हैं इस मुद्दे पर? इसमें सीधी सी बात है कि जो मंसूरी जी ने कहा कि नीतीश किंग मेकर होंगे, मैं खुल के कहता हूं कि 2024 के चुनाव में नीतीश न 3 में होंगे न 13 में होंगे, और ये भी कहता हूं कि नीतीश बिहार के बड़े नेता हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अपनी करतूतें उन्होंने लाई हैं, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी की तरफ जाकर या राजद की तरफ जाकर महागठबंधन में वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप कहीं भी जाएं आपकी एक परिभाषा होनी चाहिए कि आप किस विचारधारा के समर्थक हैं। राजनीति विचारधारा से होती है और नीतीश जी ने साबित किया कि उनकी विचारधारा नहीं है बल्कि उनके लिए है कि जिधरे दही उधरे सही वाली कंडीशन है। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा है नीतीश जी के मामले में। इसलिए नीतीश जी के मामले में कंफर्म हूँ कि वो 3 में ना होंगे ना 13 में होंगे और नीतीश किंग मेकर नहीं हो सकते हैं। ये लोकतंत्र है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता किंग मेकर होगी, और भारत का इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि समय समय पर जब जनता जब पलटी मारती है तो बड़े बड़े नेताओं की जो खटिया है वो खड़ी होती है। नीतीश भी इसके शिकार होंगे, आप डाटा उल्टा के देख लीजिए, कभी 100 से ज्यादा सीट पाने वाले नीतीश आज 50 से कम सीटों पे जो है सो हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि बिहार की राजनीति की बात, देश की राजनीति की बात, तो जनता इसमें हावी होगी। थोड़ा सा दुर्भाग्य लगता है, दुर्भाग्य इस बात का लगता है कि आज की राजनीति में नैतिकता का बड़ा अभाव है। एक उदाहरण है कि जब देश आजाद हुआ और जब पहली संसद जब बैठी और जब पहली सरकार का गठन हुआ तो उसमें जो बहुमत है, सिर्फ 2 से 3 वोटों को छोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा सदन सरदार पटेल के पक्ष में था, लेकिन जो समीकरण बन रहे थे तत्कालीन हालात थे, वैसे में सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, कई ऐसे समीकरण हैं। मैं खुल के कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि गांधी नहीं चाहते थे सरदार पटेल बने, कुछ लोग चाहते हैं कि पंडित नेहरू बहुत प्रिय थे इसलिए बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता गांधी गुजरात से आ रहे थे, सी राजगोपालचारी जो पहले गवर्नर जनरल वो भी जो है सो गुजरात से आ रहे थे, वैसे में अगर सरदार पटेल भी प्रधानमंत्री बनते तो देश में गलत मैसेज जाता, भारत आजाद हुआ था उस समय उचित नहीं होता कि सिर्फ गुजरात से ही जाए। ऐसे कई सारे बिंदु थे जिसके कारण पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, और ये सीखा जाना चाहिए कि जब सरदार पटेल के पक्ष में पूरा सदन था उसके बावजूद जो समीकरण बना कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो आप पढ़िए कि वैचारिक मतभेद रहा गांधी ये अम्बेडकर क्या कहते हैं सरदार पटेल और पंडित नेहरू में, लेकिन सरदार पटेल ने ताउम्र जो है पंडित नेहरू को अपना नेता माना, कभी परहेज नहीं किया,
लेकिन पंडित नेहरू और सरदार पटेल के पत्रों को पढ़िएगा तो देखिएगा दोनों में बहुत मतभेद रहा। डॉक्टर लोहिया जो पंडित नेहरू का सबसे ज्यादा विरोध करते थे, लेकिन दोनों में लगाव ऐसा कि जिस दिन सदन में डॉक्टर लोहिया नहीं जाते थे, पंडित नेहरू ये कहते हुए निकल जाते थे कि आज सदन में दम नहीं है। ये राजनीति की मर्यादा होती थी। और आज के डेट में क्या है, आप देख लीजिए, जीतन राम मांझी को 2 सीट इधर नहीं मिला उनके मनोनुकूल मंत्रिमंडल, तो एनडीए में विपरीत धारा में चले गए। आज वहां सीट नहीं मिल रहा तो इधर चले आ रहे हैं। आज के राजनीति में नैतिक पतन होना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि ये राजनीति में थोड़ा सा दुर्भाग्य माना जाना चाहिए। नेताओं को थोड़ा सब्र होना चाहिए कि जिस पार्टी में है उस पार्टी को मजबूत करें। सियासत में तो किसी का विचार सिद्धांत सियासत में नजर नहीं आ रही है। अभी देख लीजिए कांग्रेस में भी बात सामने आ रही है कि उसके भी विधायक जो है ना पलटने वाले हैं। ये लोग मिला जुला के बात करते हैं, ये लोग मिला जुला के बात करते हैं, मिला जुला के बात करना उचित कहीं से नहीं है। राजू रामान जी एक बार ये जानिए, कहना भी गलत है कि नैतिकता नहीं है। मैं आपको नैतिकता का प्रमाण देता हूँ। ज्योतिराव सिंधिया से एक पत्रकार ने पूछा था, आप ही की तरह किसी पत्रकार ने, एक चैनल वाले ने, क्या बताइए कि भारत में सबसे बेहतर पार्टी कौन है। तो ज्योतिराव सिंधिया ने हंसते हुए जवाब दिया था, कहा कि भारत की छोड़िए, अगर मुझसे कोई दुनिया में पूछे कि सबसे बेहतर पार्टी कौन है तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लूंगा, लेकिन अपना घर अगर झोपड़ी भी हो या बुरा भी हो तो अपना घर बुरा नहीं होता, इसलिए मैं अपने कांग्रेस को भी गलत नहीं कर सकता। और उससे पूछा गया था कि आप कम्युनिस्ट को क्यों कहते हैं कि ये सबसे बेहतर है, तो ज्योतिराव सिंधिया ने हंसते हुए जवाब दिया था कि कम्युनिस्ट का नेता जब भी कभी सदन में बोलता है तो वो गलत बयानबाजी नहीं करता और संसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं करता, उसका डाटा कभी गलत नहीं होता। आप मानते हैं कि सिद्धांत बचा हुआ है? अभी भी सिद्धांत बचा है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ। हमारे एक नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, नीतीश जी उधर गए, लालू जी पे जांच हो गई, केजरीवाल पे जांच हो गया, सोरेन पे जांच हो गया, मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी एक कम्युनिस्ट नेता को बताइए जिससे भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और अगर मोदी जी की छोड़िए, ईडी बीडी सीबीआई की छोड़िए, सारा भ्रष्ट नेता क्या बीजेपी में ही है? मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं आपको, आपने जो कहा कि नैतिक पतन हो गया, नैतिकता नहीं है, मैं लिख के देता हूँ कि एक कम्युनिस्ट नेता का नाम बताइए सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाला वाम विचारधारा का, ज्योति बसु, इनका जो आप नाम लीजिए, इन पे एक भी आरोप नहीं। और भी कई मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं, माणिक सरकार जैसे लोग, और भी कई मंत्री हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता, डी राजा है, अतुल कुमार अंजान है। आप मानते हैं कि कम्युनिस्ट को छोड़ के बाकी सबका नैतिक पतन हो गया ना? मैं बाकी सब की नहीं कहता, लेकिन कम्युनिस्ट की गारंटी देता हूँ कि हमारे यहाँ नैतिक पतन नहीं। बाकियों का क्या कहेंगे? बाकियों में यही कारण है कि देश आज कुछ बिंदुओं पे जूझ रहा, क्योंकि नैतिकता का पतन है। जिधरे दही उधरे सही वाली कंडीशन आई है। ये वर्तमान राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि नेता जब हार जाते हैं तो कुर्सी के लोग में दूसरे पार्टी में पलटी मारते हैं। ये वर्तमान राजनीति का दुर्भाग्य। लेकिन यह भी तय है कि लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान होगा, लेकिन ये भी मानिए कि जनता बहुत चीजों को देख रही है। जनता आंधी अगूंगी बहरी नहीं है, 2024 में जवाब दिया जाएगा और बड़ा फेरबदल होने वाला है। ये बाकी के विरोध में भी बोलना मुश्किल लग रहा है इनको, बाकी के विरोध में भी बोलना मुश्किल लग रहा है। मैं मानता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में राठौर जी अच्छे बात बोले हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ईमानदार है, तो बाकी के लिए आप सवाल किए तो क्या बोले कि बाकी के लिए मैं नहीं कहूंगा? स्पष्ट है भाई, बाकी नेताओं ने, सत्ता भोगी नेता है, सत्ता भोगी पार्टी है, ये कहने में क्यों मुश्किल लगता है? मुझे, मैं तो साफ सुथरा बोलना चाहता हूँ, मैं साफ सुथरा बोलना चाहता हूँ राठौर जी, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहता है बीजेपी का सरकार आरएसएस वाले ने, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप हमको बताइए कि राम भगवान से विद्या मिलेगा देश को, अच्छी स्कूल से विद्या मिलेगा? मैं नरेंद्र मोदी से वर्तमान सियासत पे बात हो रही है, आप अभी इसी पर है, फिर उसके बाद जी की बात को मैं काटता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ। और यही कारण है कि मेरी पार्टी में मेरा राजनीतिक कद जो है चढ़ने से ज्यादा फिसलता है। जो बीजेपी के दायरे की बात है तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी में भी कई कद्दावर नेता हैं जिनको मैं बड़ा सम्मान देता हूँ। मेरे लिए अगर कोई पूछा जाए तो मैं राजनाथ सिंह का बड़ा कदर करता हूँ, आले दर्जे के नेता है, नितिन गडकरी बेहतरीन नेता है, मनोहर पारेकर, अगर मैं आदर्श नेताओं की सूची रखूंगा तो कई वाम नेता पीछे हो जाएंगे, मनोहर पारेकर जो बीजेपी के नेता है मेरे आदर्श नेता है, प्रणब मुखर्जी मेरे आदर्श नेता है। वो लोग तो भगवान को प्राण नहीं दिए ना, अरे भगवान को प्राण तो दे रहे हैं दूसरे लोग ना, ये इस पर बोलिए ना, इस पर कहिए, बोले ना भगवान को प्राण कौन लोग दे? अरे भगवान हमको प्राण दिए, मैं भगवान के प्राण पर जिंदा हूँ। इस मामले में 22 तारीख को किसी और ने भगवान को प्राण देना शुरू कर दिया, तो भगवान से बड़ा तो जो प्राण दिया वो ना है, तो पूरे देश के लोग उसको प्राण मानता हूँ कि धर्म व्यक्तिगत मुद्दा है,
इसमें मैं खुल के कहता हूँ, वाम नेता होने के बावजूद भी, कि धर्म पूरा व्यक्तिगत मुद्दा है। जैसे मैं पूजा पाठ नहीं करता, मेरे घर में बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, और धर्म व्यक्तिगत होना चाहिए, धर्म कभी भी राजनीति के दायरे में नहीं आना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्या लगता है अभी वर्तमान समय में धर्म राजनीति में है? ये वर्तमान में दुर्भाग्य है कि धर्म को जो है व्यक्तिगत मुद्दा होने के जगह राजनीति में घसीटा जा रहा है। धर्म को मैं कभी भी गलत नहीं मानता, धर्म अपनी जगह पे है, सभी लोग धर्म अपनी जगह पे है, लेकिन सियासत अपनी जगह। लेकिन धर्म को जो है जो लोग जिस तरीके से परोस रहे हैं, ये दुखद है। मौलाना एसोसिएशन के जो ये है राष्ट्रीय नेता है, या आपके सर सैयद मौलाना सर सैयद किदवी है, उनका एक बयान था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत चादर है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो जो अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, ये चादर के अलग अलग धागे हैं। जब भी इन धागों को अगर निकाला जाएगा, एक धागा निकलेगा तो धीरे धीरे सारे धागे निकलेंगे, और जब सारा धागा निकल जाएगा तो चादर नहीं बचेगा। उसी तरह से अगर हमारे देश में धर्म और जाति की बातें होंगी तो हमारा खूबसूरत देश बर्बाद हो जाएगा। हमारा देश, मैं यहाँ गांधी का एक कोटेशन कोट करना चाहता हूँ कि गांधी को जो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, धरती का एक टुकड़ा है, दो टुकड़े में बटी जाए तो क्या दिक्कत है, तो एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, तो गांधी ने कहा तुम नहीं समझोगे, तुम देश बांटने वाले लोग हो। ये हमारा वो देश है जहां पर कि लगभग कई हजार सड़कें जो है, जितनी सड़कें हैं वो मंदिर से शुरू होकर मस्जिद पे खत्म हो जाती हैं, और मस्जिद से शुरू होकर मंदिर पे खत्म हो जाती हैं। तुम देश बांटने वाले लोग देश जोड़ने की बात नहीं समझ सकते। इसलिए मैं समझता हूं कि धर्म के बारे में बात नहीं है, बेवकूफ लोग धर्म की बात करते हैं। आप इंडिया गेट पे जाइए, मुसलमानों की वहां पे जितने नाम लिखे हुए हैं इंडिया गेट पे, उसमें मुसलमानों के नाम सबसे ज्यादा है। आप भारत की एजुकेशन की बात कीजिए, एजुकेशन में मौलाना जो है क्या कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद का सबसे बड़ा योगदान है। भारत सबसे बड़े वैज्ञानिकों की गणना करता है, एपीजे अब्दुल कलाम की बात करता है। भारत को जिस कप्तान ने विश्व में जिताना सिखाया क्रिकेट टीम में, वो मोहम्मद अजहरुद्दीन कहलाता है, और कलाई का सबसे बेहतरीन बैट्समैन मोहम्मद अजहरुद्दीन कहलाता है। मोहम्मद रफी हमारे यहाँ के रहे हैं, और जो आदमी जो हिंदू मुस्लिम की कौन बात करेगा, जो आदमी बनारस मंदिर के सामने दुनिया के किसी भी मंच पे बैठा, बनारस की तरफ मुंह करके उसने शहनाई बजाई, बिस्मिल्ला खां जो है वो मुसलमान होते हैं, वो भारत की अनमोल धरोहर थे। तो मैं समझता हूँ कि हिंदू मुस्लिम बेवकूफ लोग करते हैं। मेरा देश बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम बेवकूफ लोग करते हैं बिल्कुल। अभी देश के अंदर जो राजनीति कर रहे हैं, मैं जो वो बोल रहे हैं वो तो बेवकूफ है, एकदम बोलिए बेवकूफ है, एकदम बेवकूफ है, ये तो बोल रहे हैं कि बेवकूफ लोग कर रहे हैं। चलिए बेवकूफ लोग क्या कहेंगे फिरोज मंसूरी सर? अब देखिए, वाम के हमारे साथी, वाम के बारे में एक बात कही जाती है कि काफी विद्वान होते हैं वाम के, जो भी साथी होते हैं काफी विद्वान होते हैं, क्योंकि कैडरवश पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है, और वाम के साथी पढ़े लिखे भी होते हैं, बहुत सारा सिद्धांत जब उन बोलेंगे तो फिर आपको किसी को बोलने उलने देंगे नहीं। ये यहाँ ये स्थिति है, वाम के साथी की सबसे बड़ी विशेषता है, बड़े प्रकांड होते हैं, और गरीबी पे बात कर लीजिए तो उनसे बढ़िया जो है थ्योरी किसी के पास नहीं है, शिक्षा पे बात कर लीजिए तो उनसे बढ़िया कोई थ्योरी नहीं है, राजनीति पे बात कर लीजिए उनसे बढ़िया कोई थ्योरी नहीं है। आपका तो किंग मेकर वाला सिरे से काट दिए, यही तो आइए, मेरा सीधा कहना है सिद्धांत नहीं झाड़ना है देश में, प्रैक्टिकल में आइए। बंगाल में बहुत दिन आप शासन किए, लेकिन बंगाल की स्थिति आपने क्या बना दी, बंगाल का डेवलपमेंट कैसा बना दिया, या उनको ममता दी को आके बंगाल का डेवलपमेंट करना पड़ा, और उसके बाद लगा कि बंगाल जो है विकास करने के लिए जा रहा है। तो आप ये मॉडल को समझिएगा ना, केरल चले जाइए, ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया शिक्षा में, आपका मॉडल को पूरे देश अपना रहा है, कोई ये नहीं है, लेकिन इतने सिद्धांतवादी, इतने अच्छे, इतने सब कुछ आपके पास, बेरोजगारी पर सबसे अच्छा मॉडल, युवाओं पर सबसे अच्छा मॉडल, आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी 0/0 पूरे देश में, और जनता ही मालिक है, तो जनता तो सचमुच मालिक है कि नीतीश कुमार किंग मेकर है, जनता तो इतनी मालिक है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल भी चाहिए, और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी भी चाहिए, और कम्युनिस्ट पार्टी को भी नीतीश कुमार चाहिए। अब अभी मैं एक प्रसंग आपको रजी जी बता रहा हूं कि भाजपा भगा रहे थे, ये देश से भाजपा भगा रहे थे, कहां से भगा रहे थे, गांधी मैदान से भगा रहे थे, और 2 तारीख को नीतीश जी ने कम, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आके मंच पर क्या करते, भाषण देते, और नीतीश जी क्या किए पता है, 1,22,000 रोजगार जो है वो गांधी मैदान में बैठ के बांट दिए। तो आपको इसलिए कह रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल देश का मॉडल, नीतीश कुमार एजुकेशन का मॉडल देश का मॉडल, नीतीश कुमार डेवलपमेंट का मॉडल देश का मॉडल, और नीतीश कुमार सबके प्रिय,
नीतीश कुमार सबके प्रिय, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार किंग मेकर, क्योंकि अगर मान के चलिए सपोज नीतीश कुमार सबके प्रिय नीतीश कुमार, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, सबके प्रिय नीतीश कुमार क्रांति जी हैं, सचमुच क्रांति करते हैं और कम्युनिस्ट के साथी हैं। अब थ्योरी में कोई नहीं जी सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल तो ये है कि नीतीश कुमार अगर खराब है तो फिर नीतीश कुमार के साथ आपने गठबंधन किस बिना पर किया था? अगर नीतीश कुमार बेकार है, नीतीश कुमार जनाधार विहीन लीडर है, तो फिर नीतीश कुमार ही क्यों चाहिए आपको? और आज भी सवाल है, आज भी आरजेडी को या हो या बीजेपी हो, सबको नीतीश कुमार चाहिए। और उतना ही नहीं, जब नीतीश कुमार के साथ शासन कर रहे थे, तो नीतीश जी में कोई बुराई नजर नहीं आती थी। नीतीश जी को एक बार भी नहीं कहा कि पलटू मार है। अरे भाई, नीतीश जी पहली बार गए क्या एनडीए में? नीतीश जी पहली बार नहीं गए हैं। अब जो आप उसको पलटी मार कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार बाजीगर है। क्रांति जी, नीतीश बात को मान लीजिए, नीतीश जहाँ रहेंगे सरकार वहीं से बनेगी। नीतीश कुमार पलटू राम पहले भी थे, आज भी है, यही बात है। नीतीश कुमार फिर आपने पलटू राम संग है, नीतीश कुमार आप पलटू राम के साथ क्यों गए थे? मैं जानता हूँ कौन मना किया। चुके आप देखिए, कम्युनिस्ट के साथी जो होते हैं वो इतने विद्वान होते हैं, सिद्धांत में कोई तो जीतेगा नहीं, जानता, लेकिन सच्चाई है कि आपने नीतीश को क्यों अपनाया? सुनिए, मैं जानता हूँ और मैं आज बिहार का जो सोच आज मैं कह रहा हूँ, सुनिए मंत्री साहब बाजीगर है। ओ मंत्री साहब, पलटू राम नहीं, आपको नीतीश कुमार बाजीगर है। आप बोलिए ना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री साहब। मैं जानता हूँ आप मुसलमान हैं, आप अगर थोड़ा बहुत पसमांदा मुसलमान है, ठीक है क्रांति जी, थोड़ा बहुत ये आप कभी नहीं कह सकते हैं हिंदू को करेगा। नहीं नहीं, मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ, जीवन में साथी रहिए। नहीं नहीं, रुकिए ना, अब ये जमाना गया जब आप अकलियत कहिएगा, जब आप अल्पसंख्यक कहिएगा। ये जो मॉडल कम्युनिस्ट पार्टी का है, ये जो इंडिया गठबंधन के लोगों का मॉडल है, ये जो कांग्रेस का मॉडल है, यही बर्बाद करने वाला मॉडल है। चलिए, क्यों बर्बाद करने वाला मॉडल है? बढ़िया, कि जिस देश का 20 करोड़ मुसलमान, पसमांदा मुसलमान अल्पसंख्यक हो जाएगा, जिस राज्य का 17% आबादी रखता है, 17% आबादी रख रहा हूँ मैं, ये तो बात कैसे अल्पसंख्यक हो जाऊंगा? पसमांदा अल्पसंख्यक और बाकी मुसलमान अलग है क्या? मैं 5 नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल क्रांति जी अलग है। ये बिहार के मुसलमान और हिंदू को समझने के लिए नहीं, बिल्कुल समझ रहे मुसलमान, यही बात तो मैं समझा रहा था। देखिए मैं क्रांति जी समझिए, मुझे 89 में जब आपने अकलियत के नाम पर इस देश के मुसलमानों को कहा और आपने उसके साथ ठगा, आपने उसको साथ छला, आपको जिस समय मंडल आंदोलन चला रहे थे, तो मंडल आंदोलन सिर्फ हिंदू समाज के लिए नहीं था। आपके यहाँ कुर्मी हो सकता है, यादव हो सकता है, कोयरी हो सकता है, मेहता हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, राजपूत हो सकता है, पांडे हो सकता है, त्रिपाठी जी हो सकते हैं, तो मेरे यहाँ भी दुनिया हो सकता है, नट हो सकता है, बवरिया हो सकता है, भाट हो सकता है, और कुजड़ा हो सकता है, जोल्हा हो सकता है, अंसारी हो सकता है, और हमारा सिकलगर हो सकता है, ठकुराई हो सकता है, हमारा इटफरोस हो सकता है, हमारा गधेरी हो सकता है, और हम लोग तमाम जाति में बटे हैं, और एक जाति नहीं सैकड़ों जाति है। और इस बात को मंडल कमीशन को अगर उन्होंने जो नहीं समझा था, तो अब आपको समझना चाहिए। और तमाम वामपंथी नेताओं को मैं साथी को कहता हूँ, तमाम कांग्रेसियों को मैं कहता हूँ कि जब भी आप मुसलमानों के सवाल को उठाइएगा, क्योंकि आप हिंदू के सवाल को नहीं उठाते, आप हिंदू के सवाल को नहीं उठाते हैं, वहां पर आप अपनी जाति के सवाल को उठाते हैं। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, तो आप इसी भी आप जब मुसलमानों के सवाल उठाइएगा, तो आपको बताना पड़ेगा इस देश में 85% पसमांदा मुसलमान है और 15% अशराफ मुसलमान है। और अशराफ मुसलमान में भी मैं क्लियर कर देता हूं, शेख सैयद और पठान, ये 3 जाति ही है अशराफ, और उत्तर प्रदेश में मुगल और मिर्जा, इसके अलावा ये 5 जाति के अलावा भारत के काशी से लेके कन्याकुमारी तक, भारत के किसी कोने में आप जाइएगा, आपको पसमांदा मुसलमान मिलेगा, और पसमांदा मुसलमान इस देश का अल्पसंख्यक नहीं है। रजी जी, नहीं मैं तो हिंदू और मुसलमान दोनों को नमन करता हूं। बंटवारी वाली बात है ना, नहीं नहीं, मंडल कमीशन हुआ ना, तो मंडल कमीशन के आधार पे हमको रिजर्वेशन मिला ना, ठीक है, मंडल को मैं धन्यवाद देता हूँ।
बीपी मंडल साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके वजह से मुझे भी ओबीसी का रिजर्वेशन मिला। बात हो लेकिन जो हमारे वही बा रहा हूँ बात चूंकि छेड़ दिया ना क्रांति जी के, अब देखिए क्रांति जी बात को ऐसे नहीं छेड़ते। आप कैसे भटक गए मुद्दे से? हम भटक नहीं गए, हम आज भी आ रहे हैं अपने जगह पर। मेरा कहना सिर्फ इतना है इंडिया गठबंधन के साथियों से कि जब देश, इसलिए मैं मोदी जी को थैंक यू कहता हूँ, अब मैं अपनी जगह पे आ रहा हूँ। अभी तो मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी होंगे किंग मेकर, अब मैं कहता हूँ मोदी जी थैंक यू। मोदी जी अगर आप हैदराबाद में नहीं बोलते, मोदी जी अगर आप दिल्ली में नहीं बोलते, मोदी जी अगर अपने कार्यकारिणी बैठक में पसमांदा मुसलमानों के सवाल पर नहीं उठाते, तो मंडल के बाद अगर किसी बैकवर्ड मुसलमानों का सवाल इस देश में मजबूती से उठाया है तो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। इसलिए मैं धन्यवाद दे दिए का सवाल नहीं है, सवाल नेता किसी को कुछ देता नहीं है, समाज में जागृति पैदा हुई। मंडल के बाद ये जिम्मेदारी आदरणीय लालू प्रसाद जी की भी थी, मंडल के बाद हमारे तमाम नेताओं की भी थी, तमाम पिछड़े नेताओं की भी थी कि मुसलमानों में भी पिछड़ा होता है। कभी आपने इसका सवाल उठाया क्या? कभी आपने मेरी चिंता की क्या? नहीं चिंता आपने की। और चिंता अगर इस देश में सबसे पहले किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। और मोदी जी की वजह से, मैं फिर कहता हूं क्रांति जी, कि मोदी जी की वजह से आपके गठबंधन में अगर कोई पसमांदा का बेटा कैबिनेट मंत्री बनता है तो इसका पूरा क्रेडिट आपको नहीं जाएगा, इसका पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाएगा। क्योंकि मोदी जी ने हैदराबाद के कन्वेंशन से कहा था कि इस देश के पसमांदा मुसलमानों पर काफी जुल्म ज्यादती हो रही है और इसीलिए मोदी जी लगातार पसमांदा मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। चलिए मंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। मंत्री साहब ये 9 वर्षों से जो मोदी जी बोले हैं, जो दिखाई दे रहा है कि वो सच है क्या? क्या मजाक बना रखे आप 25,000 करोड़? क्या मजाक बना रखे आप? मुझे बिहार दीजिए, मैं आपको बहुत सारी बातें बिहार में जो फिर आप कैसे बिहार में नीतीश जी के नाम पर मैंडेट है, नीतीश जी नेता उनको जुमलेबाज नहीं, नीतीश जी के मैंडेट है, नीतीश जी उन्होंने ही कहा खुद कि मुझे चुनाव के समय में रणनीति तय करना पड़ता है और हमने कहा था कि 15 लाख रुपया मैं जनधन खाता में दूंगा। हमने पूछा उनको कि ऐसा बोले थे क्या हुआ? ये मेरा चुनावी जुमला था। अरे भाई पट बोल रहे डबल इंजन सरकार बोलिए किसी के पक्ष में कोई बात नहीं, कोई पक्ष नहीं है, मैं नेता नहीं हूँ भाई, कोई पक्ष नहीं है, आप शांत है, आप भी कुछ कोई पक्ष नहीं है। मोदी जी ने, मैं रोड का आदमी हूँ, हम भी शांत है, हम लोग बिल्कुल, आप लोग प्रोफेसर है, आप लोग विद्वान नहीं, आप लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार पर प्रोफेसर बने, उसके बाद मोदी जी करिए, मुझे कोई संविधान सुनिए, देश के संविधान पर भी कोट कीजिए, देश के संविधान भीमराव के अंबेडकर पे लोग प्रोफेसर नहीं बने हैं। जी जी जी, देश के कहीं है, वर्तमान दौर में अगर लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के नामों को बेचा है, जी बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब अगर आज के देश में किसी आदमी का सबसे ज्यादा नाम बिक रहा है तो बाबा साहब अंबेडकर का नाम बिक रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब को सारे पार्टी वाले अपने बैनर पे लाते हैं, वो भी ला रहे हैं जो उनको गाली देते थे। सही बात, सही लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर अम्बेडकर है, कुछ लोग कहते हैं उनके चेला चबैया है, लेकिन ये चेला चबैया नहीं, उनके नाम को बेचने वाले ब्रोकर है एक नंबर। बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर बाबा साहब को बीच में कहां से ले आए? बाबा साहब इस देश इस देश में संविधान का राज, अगर हम अगर विश्वविद्यालय में हम आए हैं तो किसी के मेहरबानी पे नहीं, आप बोले इस देश के संविधान से आए, बोले तो मोदी जी की बातों पर लोग मजाक उड़ाते हैं कि वो जो बोलते हैं वो जुमला नहीं 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 देखिए आप देखिए अब देखिए क्यों आपके साथ बोलने देंगे नहीं के साथ ही बोलने देंगे और उसमें भी क्रांति चाहे क्रांति जी जैसे मजबूत आदमी और आप जान रहे हैं 14% साधारण बात मत समझिए 14% इधर कितना भाई 1.5% आप बात को समझिए ये यही लड़ाई मेरे पास काम नहीं करता है मैं जो जन्मिन है जो 47 के बाद जिन्होंने हमको दिए संविधान में जो है मैं उस बात को बोलता हूँ की बात हम मंत्री साहब अगर मंत्री साहब फॉलो किया जा रहा है अगर मंत्री साहब कहते हैं 1.5%, 3%, 5% उसमें हमको मत लगिए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ मंत्री साहब जो जात पात करने वाले लोग हैं इस देश में उसके यहाँ आप ही बात बोलिए। मुझे जात पात नहीं चाहिए, मैं परसेंटेज नहीं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि देश के अंदर समाज के अंदर क्या होना चाहिए। यही याद
यही याद दिलाना जब जब बंगाल में सत्ता रही कम्युनिस्ट के साथी है ना और कम्युनिस्ट के साथी है और बंगाल के सबसे इस देश के सबसे बड़े नेता पर राठौर जी सब बोले हैं बसु ज्योति बसु ज्योति बसु की सरकार होती है वाम की सबसे ज्यादा सरकार होती है और बंगाल में आपको पता है सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जो आया है इनके जो साथी हैं कांग्रेस पार्टी जिनके साथ काफी दिन तक मलाई चाभे जिनके साथ सत्ता में काफी दिन तक मलाई चाभे उनके साथ इनका रिपोर्ट जानते क्या आया इस देश के पसमांदा मुसलमानों के बारे में। सच्चर कमेटी ने क्या कहा, सच्चर कमेटी ने कहा कि सबसे बुरी स्थिति अगर कहीं पर है तो बंगाल के मुसलमानों की है। 1% का रोजगार मिला बंगाल में सरकारी नौकरी में। रजी जी ये मॉडल है, मॉडल नहीं है, ये मॉडल है हमारा भाई साहब ऐसा। और ये मॉडल क्यों रहा पता है, अल्पसंख्यक जी इस देश में पूरे लोग जात पात पर निर्भर है। मैं जात पात पर निर्भर नहीं, एक पास मुझे स्पष्ट तौर पर कहने आता है कि बंगाल अगर 34 साल के बाद बंगाल को खोया है वामपंथों ने, उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार व्यक्ति वामपंथ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ, लेकिन आप ये नहीं कहिए, अगर अगर इतना दिन के बाद अगर उनको चिंता हुई और राठौर जी आपको इतिहास में ले जाएंगे, राठौर जी आपको भूगोल में ले जाएंगे, राठौर जी आपको साहित्य में ले जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि बंगाल में जब सबसे ज्यादा शासन आपका था तो उस राज्य के बसमांदा मुसलमानों की नौकरी में 1% क्यों रही, ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। लेकिन क्रांति जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्रांति जी देखिए, क्रांति जी वाकई क्रांति करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्रांति जी ने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं कमी रही। मैं ऐसे ही एक बात मैं खुल के कह रहा हूँ कि बात राजनीति पे शुरू हुई, हिंदू मुस्लिम पे आ गए, ये हमारे देश का बात जाएगी तो हम जाएगी। राठौर जी ये भारत की खूबसूरती है, आप हिंदू मुस्लिम मत कहिए, ये भारत की खूबसूरती है, हमारी डाइवर्सिटी हमारी खूबसूरती है। अगर इस देश में हिंदू है तो मुसलमान भी है, सिख भी है और तमाम जाति है, तमाम जातियों से कहना जो भी बातें चलती है टर्न लिया है हिंदू मुस्लिम का और उससे लोगों में कई कह की बातें फैलती है। अब नई पीढ़ी के राठौर के राठौर जी नई पौध है, नई पीढ़ी के हैं और निश्चित तौर पर स्वाभाविक चिंता उनकी है, मेरी भी चिंता है, मेरी भी चिंता है। हिंदू मुस्लिम की सियासत बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की सियासत कभी अच्छी नहीं रही, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि देश में सभी 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 जाति का सभी वर्ग का सभी संप्रदाय की नागरिक है ना? एक बात सुनिए, तो आप एक एक वर्ग की एक जाति पर खाली काम कीजिएगा मंसूर जी, और दूसरे और बाकी लोगों पर आप काम नहीं कीजिएगा तो ये आपको गलत बता रहे हैं। वो डाटा इसलिए बोलेंगे, तब तो जिसके साथ सत्ता में काम कर रहे थे सच्चर कमेटी इन्होंने नहीं लाया, जस्टिस सच्चर हम नहीं लाए, राजीव जी हम नहीं लाए, रंगनाथ मिश्रा कमीशन इन्होंने बनाया, इन्होंने बनाया। और जानते हैं क्या हुआ 2014 में जब रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट आया, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया, रंगनाथ सच्चर कमेटी को ऐसे समझिए कि भारत के मुसलमानों को उन्होंने क्या कहा था, भारत के मुसलमानों को कौन कौन सी बीमारी है ये सच्चर ने बताया। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो है जो भारत के मुसलमानों का कौन कौन सा टेबलेट देकर ठीक किया जा सकता है, डायग्नोसिस किया जा सकता है, ये रंगनाथ जी ने बताया। अरे रंगनाथ मिश्रा कमीशन जानते क्या कहे, इस देश के मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। राजीव रमन सीधा है, किंग मेकर पर हुई, किंग मेकर पर हुई। अरे भाई कम्युनिस्ट गए, राजीव रमन सच्चर कमेटी में मैं बोलूंगा, बोलिए बोलूंगा मात्र दो लाइन है जिसमें आपका जवाब मिल जाएगा। मैं मात्र आपको दो लाइन कहता हूं, स्वागत है बिल्कुल, ये दो लाइन सुनिए, सुन लेंगे कि बनाकर दिलों की मोहब्बत की मंदिर जला के हम सदाकत की आरती हैं, हम जात मजहब नहीं है, मतलब जो भारत में रहते हैं वो भारतीय हैं, भारत के लोग को जाति मजहब में ही उलझा के राजनीति की जाती है। और आप जो अलग अलग कमेटी का हवाला दे रहे हैं और कम्युनिस्ट का हवाला दे रहे हैं, मैं आपको लिख के बताऊं, आज के डेट में कुछ लोग राजनीति करते हैं, उनकी पार्टी आती है तो जादुओं में उबाल आता है,
कुछ लोगों की पार्टी सत्ता में आती है राजपूतों में उबाल आता है, कुछ लोगों की पार्टी सत्ता में आती है तो मुसलमानों में उबाल आता है, लेकिन कम्युनिस्ट का इतिहास उल्टा के देखिए, अगर कम्युनिस्ट की सत्ता आई तो प्रदेश में उबाल आया, आम जन में उबाल आया। और मैं आपको एक बात और लिख के देता हूँ, अगर काटने की क्षमता हो डाटा उल्टा ही, जनता के जीवन में कितना परिवर्तन आया है, कितना परिवर्तन आया। आप जो डाटा दे रहे हैं डाटा को समझिए, डाटा की खासियत क्या होती है, काम हम कर रहे हैं। बंगाल में आपका शासन था, आज नीतीश कुमार से आलोचना कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, नीतीश कुमार मॉडल आपको रोजगार दे रहा है, कौन बंगाल को कौन रोका है, नीतीश की आलोचना कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं, अगर नहीं है बिल्कुल बाजीगर नहीं है, कैसे नहीं है, सिर्फ सत्ता बदल गई नीतीश जी वहाँ चले गए, नीतीश जी यहाँ थे तो बहुत अच्छा थे, ऐसा थोड़े होगा। अरे जब आपको भाजपा भगाओ, गांधी मैदान से आपकी रैली छीन ली, और आपको बिल्कुल आपको लगा होगा आपको इसी का तकलीफ है, आपको इसी का तकलीफ है, और आप मिलर स्कूल चले गए, और आप जब मिलर स्कूल चले गए तो आपको तकलीफ हो गया। आपको ये नहीं होना चाहिए, आपको क्रांति जी ये होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी अपने लिए वो गांधी मैदान नहीं कर रहे थे, इस राज्य के बेरोजगार जो थे 1,22,000 उसको जॉब देने के लिए कर रहे थे। इसीलिए इसीलिए बिहार के जनता का शहरी है, बिहार के जनता का शहरी है, बिहार के जनता का शहरी है इस कंडीशन का। सुनाएंगे जी, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम, मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था, जहां पानी कम। आप जो ये बिहार के जनता करा 24 में लालू नीतीश, फिर कह रहा हूँ 2024 में नीतीश कुमार किंगमेकर होंगे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, मोदी जी क्या, अब अजीब बात है, जब नीतीश जी किंग मेकर होंगे, अब समझिए, अब ये सवाल तो अलपटा कर रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अरे भाई, अरे भाई, जनता इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री जनता बनाती है, जनता बनाती है। नीतीश जी के हाथ को इतना मजबूत कर दिया जाएगा, इतना मजबूत किया जाएगा, अभी इधर से मजबूत होगा, इधर से आप नहीं कर पाए, आप 20 सीट जा रहे हैं, 16 सीट नीतीश कुमार लेके जा रहे हैं खाता नहीं खुल रहा है बिहार में। हमको अफसोस होता है, इतना बढ़िया पार्टी, इतना बढ़िया गरीबों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी, सतुआ बांध के गांधी मैदान पहुंचने वाली पार्टी, प्याज सतुआ लेके जाने वाली पार्टी, पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने आप नहीं हो पा रही है। ये बात आप कर मंत्री साहब, मैं कहता हूँ सुनिए, नहीं आ रहा है, इसकी चिंता हमको हो रही है, लेकिन लेकिन नीतीश कुमार किंग मेकर है, 16 सीट लेके जा रहे हैं किंग मेकर। मैं वामपंथ पर, आप बोलिए बोलिए, आपका कटाक्ष हुआ कि वामपंथी इतना ईमानदार, इतना अच्छे पार्टी, बिल्कुल अच्छे है सतुआ, मैं कहता हूँ कहीं से अच्छे पार्टी नहीं है। अरे बाप, तो पता लगा इस स्टूडियो कम्युनिस्ट को मत फुलाइए, मैं जानता हूँ इस देश की जनता को, तो इतना है ना कि यही कह के कम्युनिस्ट अच्छा है ना कि फेसबुक लाइव के बाद आपके सुप्रीमो, आपके पार्टी के सुप्रीमो आपका पत्र नहीं लिखेंगे, नहीं कम्युनिस्ट का भी नेता इसी में फुलल है कि हम बड़ी अच्छा है। मैं पूछना चाहता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से, कम्युनिस्ट पार्टी जो है अपना बर्बादी कर रही है, एक नंबर पार्टी, शंभू क्रांति जी एक नंबर बात बोल रहे हैं, आप बोलिए, जनता आपको सुन रही है, शंभू क्रांति आज देश की आवाज बनी है आप, शंभू क्रांति, मुझे व्यापार करने शंभू जी आप बिल्कुल जनता की बात बोल रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी अपने सतुआ बांधा, प्याज बांधा, गरीबों से जो हरवाई करवाया और आप जाके वहाँ कब्जा कर लिया। कल एक बड़ा डिबेट हुआ था जगदेव बाबू का, जगदेव बाबू का एक बड़ा डिबेट हुआ है, सुनिए, और उसमें उसमें क्रांति जी एक बात छन के आई है कि सर्वहा समाज को, महाराज जो गरीब गुरबा के समाज को, गरीब गुरबा समाज को जो है, अगर गरीब गुरबा से
बोलने दीजिए शांति से, क्या मजाक बना रहे हैं? हम तो समर्थन कर रहे हैं, हम तो कम्युनिस्ट पार्टी पर था। हाँ बोलिए। बड़े अच्छा है, बड़े बढ़िया है, बड़ी सुंदर है, कथी से सुंदर है। मैं भी आज इस आपके चैनल के माध्यम से कम्युनिस्टों को पूछना चाहता हूँ कि देश में आप विपक्ष में थे, राज में भी विपक्ष में थे, ललित नारायण मिश्र जब मुख्यमंत्री था, जगन्नाथ मिश्रा आप विपक्ष में बैठते थे, आपका क्यों ये दुर्दशा हुआ? मैं वामपंथों से पूछना चाहता हूँ। वेरी गुड सवाल है। अगर ये दुर्दशा हुआ, हमारा भी सवाल है, तो वहां पर आप रिसर्च क्यों नहीं किए? वेरी गुड। रिसर्च नहीं किए तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, हम जब विपक्ष में थे देश में और बिहार में विपक्ष में थे, आज हम किसी कर्म का नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये वामपंथ के सीनियर नेता हमको बता दें। बहुत बढ़िया, समझे? मुझे कोई पार्टी फिलिंग नहीं करने आता, मैं जात पात पर नहीं निर्भर हूँ, मैं खुद से चाहता हूँ। हमारा जो देश 47 में आजाद हुआ, आजादी के समय में भगत सिंह, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, भगत, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विचार, उन विचार को मैं लेके चलता हूं। यही वजह से कह रहे हैं कि राठौर जी जैसे लोग भटक रहे हैं वामपंथ में भी। राठौर जी जैसे लोग, आप जैसे, आपका इतना बढ़िया विचार है और राठौर जी इस बात को समर्थन कर ही ले रहे हैं। मैं दुनिया का ठिकाने राठौर जी से जैसे जैसे बोलता हमको नहीं उतना नहीं आता। मैं हमारा अपना चलने का स्टाइल है। वामपंथ को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वामपंथ में होश में आए, चापलूसी न करें। हम 90 सीट पर थे केंद्र में, समर्थन, हम बिहार में 38 सीट पर थे, बिहार समर्थन, समर्थन, समर्थन विपक्ष में। आज मेरा वो सीट कहाँ चला गया? निश्चित तौर पर मुझे लगता है मैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तरफ से कहना चाहता हूँ, एक नंबर का वो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी हुआ है। क्रांति जी का निजी मामला हो सकता है। कहा कि कम्युनिस्ट का जो है आधार खत्म हो रहा है, मैं आज भी आपको कहता हूँ कि कम्युनिस्ट कभी भी सदन के लिए आधार को लेकर नहीं चली, कम्युनिस्ट सड़क पे संघर्ष करने वाली पार्टी रही है। और आज भी आप लिख के देखिए, लोकसभा राज्यसभा हमारी लोकसभा में कहीं है ये नहीं, आज भी हम सड़कों के बाहर आज आवाज उठाने वाला गरीब गुरबा का है ये नहीं है। ये बात सिद्धांत लेके हम अचार डालेंगे, सिद्धांत लेके हम चाटेंगे। राठौर जी ऐसा है, जो आप 90 सीट थे केंद्र में, आपका 90 सीट कहाँ चला गया? वो कहाँ चला गया? आप बिहार में 38 सीट थे, कहाँ चला गया? सीटें आती जाती रहती है, हमारी विचारधारा आज भी चिंता। साउथ से कितना जीत के आते थे जी? साउथ से कितना जीतते थे आप? राजीव रामाज कहाँ गए? आइए गले मिलिए, आइए हमारे साथ बोलवाइए। एक बात आप का बात बोले हैं, एक बात आप और भी कोट कीजिए, ये बात समझने वाली है। भले ही हमारा सदन गया हो लेकिन हमारी सड़क नहीं हो गया, यही सिद्धांत हमारा मुद्दा आज भी। अरे भाई साहब, जनता का रिप्रेजेंटेशन 545 में अगर आप नहीं जा रहे हैं तो जनता आपको क्यों नकार रही है? ये बात आपको समझनी चाहिए, आपको विमर्श करना चाहिए। और आप सिद्धांत झाड़ रहे हैं कि हम नहीं रहे, हम जनता में रहे, तो जनता में तो बहुत कुछ कर रहे थे। बिजली बिल बढ़ गया, नहीं है, सब आदमी आपका समर्थन करता था, और अभी बिजली बिल के नाम पर आपके सीटे कोई खड़ा नहीं हो रहा है। बात तो सुनिए, गरीबों के सवाल पर आपके साथ कोई आना नहीं चाहता है। सिद्धांत सुनना, एआईएमएम के नेता आपके 4 विधायक हुए, 3 विधायक पलटी मार। अरे भाई, फिर एआईएम का और हमारे नेता कहाँ से हो गए? इस देश को तोड़ने वाली पार्टी, इस देश को देश में नफरत फैलाने वाले लोग, मैं कभी भी अपना नेता नहीं सिलेक्शन करता हूँ। मैं डेवलपमेंट का आदमी हूँ, जो इस देश में विकास करेगा, जो शिक्षा पे, रोजगार पे बात करेगा। एआईएम हमारा कहाँ से हो सकता है? मेरी बात सुनिए, पूरी बात आप नहीं सुने इसीलिए बीच में आप आ गए। मेरी बात है कि आप एक मुस्लिम पार्टी का 4 विधायक बिहार में आता है, 3 पलट के दूसरी पार्टी में चला जाता है। अभी कांग्रेस के नेताओं ने जो है क्या किया, सारे विधायकों को दूसरे जगह भेज दिया, ओवैसी के पास भेज दिया। मेरी बात सुनिए, ओवैसी के पास भेज दिया। यही तो मैं गठबंधन बताना चाहता हूँ। हमेशा लोगों को आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ओवैसी है। पहली बार कांग्रेस ने साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है, कांग्रेस की बी टीम है ओवैसी की पार्टी। और इसीलिए अपने विधायकों को, अपने तमाम विधायक 16 विधायक को हैदराबाद भेजा। आप पहले मेरी बात तो सुनिए, पार्टी का बोलते हैं भारत के गुलाम मत रहिए, भारत के नागरिक होने का हैसियत है ना भाई? बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया ना, राजेंद्र बाबू ने हमको अधिकार दिया ना। अरे संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू की बात कर रहे हैं, इसको सुनिए। और राजेंद्र उन्होंने अधिकार हमको दिया, बिल्कुल नहीं दिया। हम ड्राफ्टिंग, आप लोग
जैसे लोग जो है मजाक बनाते हैं बाबा साहब को जो है हलवा बना के बेच रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद क्यों नहीं सजदा में? तो ये तो मैं सवाल उठा रहा हूँ ना, जब आपके सहयोगी इंडिया गठबंधन के साथी राहुल गांधी मणिपुर से लेके मणिपुर से लेके सीमांचल की यात्रा कर रहे थे, तो फिरोज मंसूरी राजेंद्र बाबू के घर जीरा दही जाके पद यात्रा कर रहा था। हम जमीन पर है राठौर जी, हवा में आप लोग हैं। राहुल गांधी जी को सुझाव दीजिए कि अगर उसको सीमांचल से यात्रा नहीं करनी थी उनको भागलपुर जाके प्रायश्चित करना चाहिए था, उसको मेरठ जाके मलियाना जाके मनेर जाके जनता से माफी मांगनी चाहिए थी। और इस देश में 40,000 दंगे का मास्टरमाइंड कांग्रेस है और जिसके सहयोगी आप हैं, जिसके गठबंधन में आप हैं। आपका मूल घर कहाँ है? भारत। भारत नहीं, मुझे वो डेवलप मत भारत। आप सुनिए, आप आप भारत की जनता को किसी क्षेत्र में किसी मोहल्ले में नहीं मार सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जो तुलसी का माला जपते बिल्कुल नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन उन्होंने दिया, इसलिए मैं लगा हूँ ना ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। पूछिए ना किसका माला जपते हैं? सही पूछ रहे, किसका माला जपा, किसका माला जपे? डॉक्टर अम्बेडकर एकमात्र कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरे संविधान सभा तो हम कह रहे हैं। ब्रोकरिंग क्यों की? यही तो मैं कह रहा हूँ, देश को बता रहा हूँ कि जब आपके राहुल गांधी आपके युवराज सीमांचल से यात्रा कर रहे थे तो पसमांदा का बेटा राजेंद्र बाबू के घर पर क्यों गया था? यही दुनिया को बताने के लिए आप राजेंद्र बाबू के घर पे गए, जीरा दही गए, आपको मकान नजर आया, लेकिन आप जिस मुरलीगंज से आते हैं उस मुरलीगंज का आने वाला कमलेश्वरी यादव आपको क्यों नहीं याद आया? अरे भाई जो मधेपुरा से संविधान आपको पता नहीं है कि वो भी याद है? कहाँ वो भी याद है? 25 तारीख को चर्चा नहीं हो जा रहे हैं, मुरहो जा रहे हैं, बता रहे हैं, सुनिए किराए मुसर के बाद से चतरा भी जाएंगे कमलेश्वरी भाई, ये करने वाली बात नहीं है। आपका नाम नहीं, आप दिखाइए लिस्ट निकाल के। बिल्कुल आपने देखा नहीं है राठौर जी, भाई बहुत इधर कम्युनिस्ट के प्रवक्ता 2024 का क्या रिजल्ट होगा? 2024 में नीतीश कुमार किंगमेकर होंगे, प्रधानमंत्री के कुर्सी पे कौन खड़ा को मालूम है? आपको मालूम नहीं है रजी जी? पूरी दुनिया को पता है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, दुनिया मालूम है, जनता वोट देगी, समझ लीजिएगा। मुझे नीतीश कुमार जी आपको मालूम उत्तर है। मैं स्पष्ट शब्दों में पहले दो तीन बातों से पूछिए, पहला बात ये है कि बोलेंगे राहुल गांधी, नहीं नहीं लोग कह रहे हैं कि बोलेंगे राहुल गांधी, लोग कहते हैं कि कम्युनिस्ट जो है सो धरातल के नीचे चला गया। मैं आज भी कहता हूँ कि हम सड़क पे जिंदा है, और आप एक बात मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कितनी बड़ी भी सभा हो, जीप गाड़ी बस से लाना पड़ता है, कुर्सी पे पैकेट रखना पड़ता है, तब भी भीड़ नहीं जमती। तो हम भी कह रहे हैं, हमारे यहाँ कम्युनिस्ट के लोग हमारे यहाँ नेता अपने घर से जाते हैं, भी जाते हैं, हम तो हमारा, लेकिन सतुआ बांधने के बाद आपका मॉडल क्या है? सड़क पे 1% रोजगार जिंदा है, 1% रोजगार। दूसरी बात जो आखिरी बात है कि सरकार किसकी बनेगी, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, इसको लिख लीजिए, सरकार जनता की बनेगी, जनता बदलाव के मूड में है। बस हो गया, हो नहीं कम्युनिस्ट का जवाब है, आपके पास साहस नहीं है, आपके पास साहस नहीं है। मैं बोलूं सर, आप अपने नेता के बारे में क्या बोलोगे? कम्युनिस्ट की सरकार बनेगी, आप ये कहने का नहीं कर रहे पा रहे ना? अरे कम से कम अपने नेता को तो डिफेंड कर लीजिए, अपनी पार्टी को तो बचा लीजिए, लेकिन हमको देखिए हम किसी दल में रहने के बारे में बोलते। मैं जनता हूँ, मुझे पता है कि देश का प्रधानमंत्री, जनता को मालूम है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? मैं तो कह रहा हूँ जनता को मालूम है, आप हमको बता दीजिए। नहीं नहीं क्या बनेंगे आप देखिए, चुनावी राजनीति में जनता के चीजों के नीतीश कुमार किंग मेकर। अरे तो प्रधानमंत्री को, अरे भाई साहब प्रधानमंत्री दुनिया को मालूम है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इशारा कर रहे हैं नरेंद्र, हमने कब कहा कि लड़की पढ़ाओ की जगह, हमने हमने कब कहा कि जो मॉडल वही है हिंदुस्तान में नहीं पास मॉडल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल है, तमाम आरोप के बाद मंसूरी साहब दुनिया में ग्लोबल लीडर, आप लोग साथ होते हैं तब हम ये बोलते हैं। इनकी भी आदत बीजेपी वाली है, ये मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं करते, पूरी दुनिया में अपनी बात करते हैं, पूरी दुनिया में ग्लोबल लीडर बनके हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर उभरा है।
इस पे किसी को शक है क्या? आप भी शाहनवाज हुसैन से कम नहीं है। आप मुझे शक नहीं कर लीजिए। क्रांति जी हमको शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं। आप बोले किसी को शक है क्या? तो राठौर जी सवाल राठौर जी तो पहले ये सोचे ना कि बिहार में कहां से जाएंगे। मंसूरी जी तो बता रहा हूं कि क्यों जा रहे हैं। मंसूरी जी आपके अनगिनत पोस्ट में उल्टा के देख सकता हूँ। बिल्कुल देखिए, मैं सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं मानता। मैं एक आपको कार्टून बताता हूँ कि एक बच्चा कहता है अरे नीतीश कुमार तो पलट गए। तो बोला की बोले मैं पलट गए तो की बोले तू बुर्बक थी की। तो नीतीश कुमार छे ओकरा एगो पैकेट में जो छे इस्तीफा रहे छे तो दूसरे पैकेट में शपथ पत्र रहे छे। तो ये होत रहे छे। तो चल अपन काम। इतिहास में पहला पहला आदमी पैदा हुआ होगा। ये भी बिहार के लिए गौरव की बात है। ये गौरव दूसरे के हाथ में क्यों नहीं है? बोलो जी, राठौर जी, ये गौरव किसके हाथ में क्यों नहीं है? किसके पास ताकत है आज के डेट में? बताइए भारत की राजनीति में ऐसा कोई नेता बताइए नीतीश कुमार के जैसा, जिसके एक पॉकेट में इस्तीफा रहता है दूसरे पॉकेट में मैं बता रहा हूँ। आपको अगर विश्वास नहीं होगा बिल्कुल दिखाइए। आप लाइव चेक कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि प्रोफेसर फिरोज मंसूरी का फेसबुक अकाउंट खोला जाए। जब नीतीश राजद के पक्ष में थे तो राजद और नीतीश दोनों ही सुपर स्टार थे। उस समय बीजेपी बुरा था। और जब लालू जी ने मंसूरी समाज के बारे में फेसबुक पे दिखा दीजिए, आपको नीतीश कुमार ही लालू जी गर मिलेगा। बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार ही आपको मॉडल मिलेगा। नहीं, नीतीश कुमार को मंसूरी जी वजह से मैं मंसूरी जी पसंद नहीं करता हूँ। तेजस्वी जी, नीतीश कुमार मेरा कोई संगठन नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, नीतीश कुमार को इसलिए जनता पसंद करती है कि आज बिहार की जो मरणासन स्थिति में शिक्षा चली गई, 45 सीटें नहीं, मरणासन स्थिति में जो चली गई, जनता पसंद करती है मॉडल, जनता पसंद करती है बिहार का जो चेहरा था, जो कुरूप था, जनता पसंद करती है। लोगों ने सतुआ छाप बना दिया था ना, पसंद कहां से करती है जनता? प्याज खिला के गांधी मैदान ले जाते हैं और ये चाहते हैं कि जनता गरीब रहे। जनता समझे, जनता कम्युनिस्ट के मॉडल में, कम्युनिस्ट के मॉडल में है कि जनता जब गरीब रहेगी तब ना हम जो उसको कहेंगे बुजुर्गवा बुजुर्गवा करते रहेंगे, सरवाना करते रहेंगे। तो ये उनका मॉडल है। ये कभी नहीं चाहती जनता शक्तिशाली हो, जनता फलाए ओवर में चले, इनके सपने में नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के मॉडल में फलाए ओवर है। नीतीश कुमार के मॉडल में, नीतीश कुमार के मॉडल में जानते हैं, नीतीश कुमार के मॉडल में कुमार के मॉडल में अंतर्राष्ट्रीय, नीतीश कुमार के मॉडल में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, नीतीश कुमार के मॉडल में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, नीतीश कुमार के मॉडल में राम जानकी को महीना में पैसा भेजा जाता है, इसलिए महीना में पैसा भेजा जाता है लोगों को लिए। लीजिए वहाँ से हमारे बात को बोलने के लिए आपके पास कौन मॉडल है? आप अपना मॉडल बताइए ना। आपके पास मॉडल जानते क्या है? आपके पास मॉडल है, आपके पास मॉडल, आपके पास मॉडल क्या बता है? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। और जनता जो है जिंदाबाद करा दिए, जिंदाबाद करा दिए। हाँ, बीजेपी बीजेपी तरफ से जनता की आवाज बनेंगे सर। कांग्रेस पार्टी बीजेपी कहेगा जाता है मेरे बात को बोलने के लिए जी। और पूरे देश में जब जनता की आवाज बनेंगे, दूसरे की जब जनता की आवाज बनेंगे, तब 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 इस देश के इंटेलेक्चुअल को, प्रोफेसर को, डॉक्टर को, शिक्षित समाज को प्रताड़ित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा। लेकिन आपका इस देश में ये तय हो गया है कि प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षित हमारा तमाम साथी बोलेगा, डेवलपमेंट पे बात करेगा। गरीब को छोड़ के अपना छलांग लगा जाते हैं। सर आपको पैसा आता है बोलिए, पैसा का सारा देना पड़ेगा ना। अरे पैसा यही इन लोगों की चालाकी है। जब इनकी पोल पट्टी खुलने लगी तो घेरना शुरू किया। आपने कहा आप बोलेंगे बिहार का विकास करो, आप कहिएगा लेनिन, आप जब भी कहेंगे बिहार का विकास करो आप कहिएगा मार्क्स। बिल्कुल नहीं, अरे आपको पैसा मिलेगा ही। हमारे देश में विद्वान पैदा हुआ ही नहीं। पैसा मिलेगा भाई, वो राष्ट्र विरोधी है। अरे आपको बीजेपी से पैसा मिलेगा, राष्ट्र विरोधी है। क्यों मैं कहता हूँ राष्ट्र विरोधी है? क्योंकि अपने देश में एक से एक विद्वान पैदा हुआ। चाणक्य, अच्छा आपको पैसा है ना? ये चाणक्य की बात करेंगे, ये चाणक्य की बात नहीं करेंगे, ये बात क्या करेंगे? चाणक्य ने इस देश में सबसे बड़ा जो है ना
टैक्स का मॉडल दिया, लेकिन ये बात करेंगे चर्चा की, ये बात करेंगे लेनिन का। आपने कभी चर्चा की? मैं किस लिए कर रहा हूँ? आप अपने देश में आ जाइए। आप चाइना क्यों जाते हैं? आप रशिया क्यों जाते हैं? आप देश में रहिए ना। आप नेपाल को छलांग करके चाइना क्यों चले जाते हैं भाई? आप हमारे देश में एक से एक से एक इंटेलेक्चुअल है, आप उसकी चर्चा नहीं करते हैं? अच्छा, आपके देश में जो प्रोफेसर है जी, प्रोफेसर चाटुकार है और आप प्रोफेसर मिलता है। सुनिए बताइए, कुछ प्रोफेसर यही कम्युनिस्ट है, प्रोफेसर यही जिन्होंने चाटुगिरी करता है, यही कम्युनिस्ट, जिन्होंने बीजेपी का दलाली करता है, नफरत पैदा करता है, बीजेपी का बात बोलता है, इसको पैसा मिलता है, इसलिए नहीं देती है, तो पैसा मिलता है किसको? जनता। अभी जो बात का जो मंत्री था, तो कहेंगे कि मोदी लगता है कि मंत्री साहब तो कहेंगे नीतीश जी के आदमी, सीधे कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा मिला। मैं तो कहता हूँ की आपके पास सूत्र है, अगर मैं राष्ट्रीय जनता, अगर मैं जनता दल यूनाइटेड का मेंबर हूँ तो आप हमको दिखा दीजिए, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूं तो आप हमको दिखा दीजिए, आप उनके किसी कार्यक्रम में दिखा दीजिए, लेकिन हक को कौन रोक दीजिएगा? सच बोलने से कैसे रोक दीजिएगा इस देश की जनता को? ये सही बात है, मैं बोलूंगा, चाहे आपको जैसा मिर्चा लगे, बोलने दीजिएगा। देश के वर्तमान दौर का दुर्भाग्य यही है, कहा जाता है कि जब चंद्रशेखर बोलते थे तो सदन शांत होता था, वाजपेयी बोलते थे सदन शांत होता था, मनमोहन सिंह बोलते थे सदन शांत होता था, आज जो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम हमने हमेशा सम्मान से लिया, अभी भी आपके चैनल पे शुरुआत में हमने राजनाथ सिंह का नाम लिया, नितिन गडकरी का नाम लिया, मनोहर पर्रिकर का नाम लिया, सुषमा स्वराज का नाम लिया, सारे लोगों का नाम लिया। हमारे यहाँ जाति ही नहीं आती है, जाति नहीं आती है, हमारे यहाँ व्यक्तित्व और कृतित्व आता है। दूसरी बात यह है कि जनमीन मुद्दों पे चर्चा हो, ये देश का सबसे बड़ा है, किसी भी चैनल को उल्टाइए, किसी भी डिबेट को उल्टाइए, बात शिक्षा पे शुरू होके धर्म पे जाति पे आती है, बात राजनीति से शुरू होके जाति और धर्म पे आती है। मैं आपके चैनल से भी डिबेट में बार बार जो है बात मुद्दे देश की विकास पे वर्तमान राजनीति पे कर रहा है, देश की सच्चाई है लेकर आते हैं, हैरत इस बात का है, जिस राज्य में मुझे अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है, मैं तो आपको क्रेडिट भी नहीं दूंगा, मुझे तो लगता था शंभू जी मुझे तो लगता था कि जाति जनगणना पे जाति जनगणना बोलने देंगे, अभी जाति जाति बोलोगे बोले जिस राज्य में जाति बताई जा रही हो कि तुम्हारा कितना परसेंट है और किस जाति का लोग कितना भिखारी है, ये डेटा बिहार सरकार ने संयुक्त इंडिया गठबंधन ने दिया है, वो आदमी बात कर रहा है कि जाति इस देश की सच्चाई है जी जी, और कोई आदमी कहता है कि मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, बाद में डिबेट में पहला नाम जो अगर राठौर जी ने लिया है वो आदरणीय राजनाथ सिंह का लिया है, जाति का प्रॉब्लम है, समझिए क्या मैं कहता हूँ, जाति इस देश की सच्चाई है, हमको स्वीकार करना चाहिए, मनोहर चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद अशराफ का नाम लिया, बिल्कुल अशराफ का नाम लिया, किसका जी? अशराफ का नाम लिया आपने? मैंने लिया ही चेक किया, अबुल कलाम आजाद अशराफ ही थे, आजाद का नाम जी जी, आप जात में बांट रहे हैं भाई, जाति इस देश की सच्चाई है जी जी, अरे भाई साहब जब जिन लोगों को चुनाव में जब इन लोगों को मध्य प्रदेश में बुखार छोड़ा दिया गया तो जानते हैं मोहन यादव वहाँ पे मुख्यमंत्री बने और मोहन यादव बिहार आए, बात को समझिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जाति सच्चाई हमारे साथ सुनिए तो सही, रुकिए ना, ये सुनेंगे नहीं, ये बीपी का ये लोग सुनेंगे नहीं, ये मोदी जी का आदमी है, बोलिए नहीं, ये कहेंगे मोदी ये लोग ये प्रोफेसर लोग अब हम लोग आदमी हो गए, लीजिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अरे इनका सर्टिफिकेट है अरे ये लोग बोलने देंगे, मोहन भागवत का आदमी है, छात्र के छात्र का लीडर होता है छात्र, ये वीपी वाले प्रोफेसर को छात्र का जिला अध्यक्ष कोसी परमंडल अध्यक्ष बनाता है, बुझे ना, ये प्रोफेसर लोग बोले ही नहीं देंगे, तो आप अपनी पते नहीं चलता है कि बीजेपी हमेशा छुट्टी काटना, नहीं नहीं अब अपना जब नाम आया तो छुट्टी काट रहे हैं, मॉडल पे बात करूं, अच्छा मंसूर साहब कह रहे थे कि जो जनता पसंद करती है,
कापर करब सिंगार प्रिया मुरान हरे। हाँ सब चाहे हमरा हमारे बिहार का जनता सब चाहे नीतीश कुमार। आप तो बीच में चुप रहिए, इनको लगता है नीतीश, आप इतना मत बोलिए, इनको नीतीश से बड़का पैसा मिला हुआ है। कापर करब सिंगार प्रिया मुरान हरे, हमें केकरा पर सिंगार परो करो दूल्हा बने बीच में। आप तब कहिए अब आपका मुहावरा है, बोलेंगे अब चलिए। तो बिहार में नीतीश कुमार और लालू जी, बिहार के आम जनता किसान मजदूर नौजवान बुझ रहे हैं कि यही दुगो है, ककरा पर सिंगार करम, एगो पलटू राम एगो घोलटू राम। घोलटू राम कौन है? अरे मैं लालू जी के पूर्वज, ये जो खानदान है उसका तेजस्वी, हम उसको भी नहीं ठीक बुझते हैं। अच्छा बुझे ना, अच्छा क्रांति जी अच्छा आदमी, अगर वो ठीक रहते सही बोलते हैं तो नीतीश कुमार, आप मानते हैं लालू जी घोलटू राम ये हम कहीं नहीं मानेंगे। खाली अलग से हमारे 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 समाजवाद के गरीब गुरुआ के नेता लालू प्रसाद को कैसे माने? इन्होंने तेजस्वी का नाम लिया, मैं मानता हूँ, लेकिन लालू जी नहीं है गोल्टू राम, तेजस्वी है। ए टू जेड की पार्टी है, ए टू जेड करते हैं, गोल्टू बोल रहे, वही ए टू जेड की वजह से उसको गोल्टू हम कह सकते हैं। लालू जी पे नहीं सवाल उठा सकते हैं, लालू जी तो बोल रहे हैं। अरे लालू जी रहे ना क्रांति जी, तो ये स्टूडियो क्या कहीं भी बोल रहे हैं? अच्छा, आप लोग लालू जी नहीं रहते हैं, आप लोग विद्वान लालू जी नहीं रहते तो ये स्टूडियो में नहीं बैठ के बात कर रहे होते, इसलिए लालू जी की बात प्रदान करेंगे। लालू जी की बात, लालू जी का आप तेजस्वी के बारे में बोलिए, आप तेजस्वी के बारे में बोलिए, हम तेजस्वी जी को सुन लेंगे, लालू जी पर नहीं सुनेंगे। अच्छा भैया भैया कोई चैंपियन है लालू यादव, अच्छा सुनिए, इसलिए उस पे तो हम कोई कम्प्रोमाइज कैसे चैंपियन बता, क्या बात करते हैं भाई, कैसे कैसे कर, फिर मत बोल भाई हमसे, क्रांति जी लालू जी की आलोचना कर रहे हैं, लालू जी बनाए हर मामले में, हर मामले में। तो मेरा बाप अगर चैंपियन है, हाँ, तो हम हो जाएंगे खेसारी लाल, तो उससे हम हो जाएंगे गणपति लाल, उससे ने पूछिए, हम हो जाएंगे भंगवा लाल, इसीलिए गड़बड़ है, इसीलिए ना लोग लग गए, इसलिए लोग नाराज है जी, चैंपियन के नाराज है ना, इसलिए इसलिए ना ये लोग ए टू जेड करने लगा। अच्छा तो आप तेजस्वी से पूछिए ना कैसा क्यों कर रहा है, यही बात में समस्या है, लेकिन लालू जी पर सवाल मत, आप तेजस्वी पे बोलिए, बिहार में गठबंधन की सरकार की हमारा कुछ किसको दुश्मन, हमारा किसको ना, नीतीश जी का मॉडल था डेवलपमेंट का मॉडल, दोषी किनको मानते, दोषी मैं पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम नेता को मानता हूँ, और उसमें सबसे ज्यादा राहुल गांधी और खड़गे को मानता हूँ इस मामले में, ना राहुल सबसे दोषी है ना खड़गे दोषी, क्योंकि जिस समय बिहार में नीतीश के सरकार जाने का मूल कारण मैं मानता हूं, इसमें लोग कई तरह का आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश पलटू है या जो भी है, मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता, मेरा ये मानना है कि नीतीश के सिर्फ नीतीश ही दोषी नहीं है, महागठबंधन भी दोषी है, एनडीए भी दोषी है, इसलिए दोषी है कि नीतीश जब इधर आते हैं तो अच्छे लगते हैं, उधर जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, अपोजिशन को बुरा लगता है। मेरा ये मानना है कि बिहार में जो सरकारें अभी अव्यवस्थित दौर में है, मैं अगर राजनीति से ऊपर उठ के अगर बात करूं तो इसमें यह माना जाए नीतीश को कुछ हद तक बेहतर क्रेडिट दिया जाएगा, वो इसलिए दिया जाएगा कि बिहार में नीतीश कहीं ना कहीं बिहार को बार बार चुनाव से मध्यवर्ती चुनाव से बचा रहे हैं, क्योंकि चुनाव में अगर जाएगा तो पूरा सिस्टम उसमें लग जाएगा, राज्य का विकास उसमें रुकेगा तो दिक्कत होगी, तो नीतीश जिस तरीके से भी है बिहार को बार बार चुनाव से बचा रहे हैं। दूसरी तरफ जो बात है, नहीं यही सुन लीजिए, मैं समझ राठौर जी का समर्थन कर रहा हूं, हां तो मैं राठौर जी का समर्थन कर रहा हूं, सुनिए ना, पूरी बात बोलिए, राठौर जी का मैं समर्थन कर रहा हूं, तो फिर आप अरे नहीं करूंगा, आप बहुत बोलते हैं, आप इसका समर्थन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, इसे हम कुछ मैंने बोलते हैं, आप समर्थन कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, बीच में मत करिए, ये बात आप माने ना, बीच में मत करिए, इस स्थिति गंभीरता है, देखिए मंसूरी जी राजनीति, आप जो है मंसूरी जी, मंसूरी जी अच्छा आप दोनों बोलिए, मैं चुपचाप बोलते मारे रहूंगा, मैं स्पष्ट पॉलिटिक्स और स्पष्ट बात करने विश्वास करता हूं, नीतीश जी के जो राजनीति है वो पलटू से ज्यादा बिहार को चुनाव से बचाने की राजनीति है, बाद बाकी उनका क्या कॉन्सेप्ट मैं नहीं मानता, लेकिन ये जो बिहार को दंश झेलना पड़ रहा है, जो परेशानी आ रही है, इसका मूल कारण ये है, इसकी सबसे बड़ी अगर कोई जवाबदेह है, अगर कोई दोषी है तो वो बिहार की जनता है, बिहार की जनता ने जो गलती जो जो हौसला देश के साथ दिखाया, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, कम्युनिस्ट सत्ता में नहीं आ पाई, जो देश के साथ उसने जज्बा दिखाया वो उसे बिहार के साथ दिखाना चाहिए था, जिस तरीके से आज बिहार में अगर कोई भी गठबंधन की एनडीए गठबंधन का सदस्य अगर आए जाए तो उससे केंद्र सरकार यानी बीजेपी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसको प्रचंड बहुमत है, उसी तरह से बिहार में अगर बिहार की जनता ने किसी एक पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया होता तो सरकार अस्थिर होकर काम करती। नीतीश के साथ एक समस्या है, बीजेपी में जाकर जब वो खुल के काम करने के मोड में आते हैं, के पाठक जैसा जांबाज उसको अगर मिलता है तब कहीं ना कहीं जिधर भी गठबंधन में होते हैं तो वो दबाव बढ़ाता है,
लास्ट में नीतीश को दूसरी तरफ जाना पड़ता है। फिर उधर भी नीतीश अगर रंग में आना चाहते हैं तो उसके बाद जो गठबंधन में जो सहयोगी दल होता है वो प्रेशर देता है कि हमको ये मंत्रालय चाहिए, हमको ये चाहिए, हमारा नेता वहां फंस रहा है, पकड़ रहा है, तो नीतीश खुल के काम नहीं कर पा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि बिहार में कौन बेहतर है, जनता ने अगर लालू मेरी बात पूरी सुन लेनी, जनता ने अगर लालू जी को बहुमत दिया होता तो मैं समझता हूँ बेहतर कंडीशन होता, बीजेपी को अगर बहुमत दिया होता तो बेहतर कंडीशन होता, या नीतीश जी को ही दिया होता तो बेहतर कंडीशन होता। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार ने इस बार किसी को बेहतर बहुमत नहीं दिया। आप डाटा उल्टा के देखेंगे, जब भी मुख्यमंत्री को स्पष्ट बहुमत मिला तो सरकारें स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। और नीतीश की परेशानी देखिए, नीतीश जब जब फॉर्म में आए हैं तब तब जो है किसी न किसी प्रकार का दबाव गठबंधन से पड़ा है, नीतीश असहज हुए हैं तब दूसरी तरफ गए, इसको स्वीकार किया जाना मतलब चाहिए। ये राजनीति से ऊपर उठ करके अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए आप लोग शांत रहिए। हाँ शांत रहिए, मैं क्या करिएगा, तो मैंने कोई नहीं बोलेगा। चलिए बड़ी हिसाब से लोग ले रहे हैं, ये लोग पॉलिटिक्स बाज है मुझे लगता है। आप क्या है? मैं पॉलिटिक्स बाज नहीं हूँ, अभी सियासत में है। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज, हमारा कृषि प्रधान देश मेरा है, किसान के हित में जितना भी अच्छा काम हो मैं ये चाहता हूँ। इन लोगों ने मिला जुला के बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ जगन्नाथ मिश्रा के बाद जो मुख्यमंत्री बने लालू जी, तो 38 सीट से समर्थन दिया गया वामपंथ की तरफ से। वामपंथ हम विपक्ष में बैठते थे बिहार में, मंसूरी साहब मालूम बिल्कुल, और हम उनको दिए लालू जी को समर्थन। सही बात, तो बिहार में लालू जी का मुख्यमंत्री बन गया। सही बात, अगर आप बिहार में कहिएगा कि कौन जिम्मेवार है, हम आप लोग की तरह घिस्टी मिस्टी फिस्टी नहीं कर सकते हैं। हम स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ये बिहार के अंदर जो वामपंथ है और लालू यादव जो है नेतृत्वकर्ता, ये दोनों नेतृत्वकर्ता के कारण आज नीतीश कुमार क्षण भंगरू हो गए, कभी इसमें कभी इसमें, वो जो मैंने क्या कहिएगा उसको, वो बिकटा के तरह नाच में कहीं देखे हैं बिकटा तरह, तो बिकटा तरह इसलिए कर रहे हैं नीतीश कुमार जी कि उनको हम मौका दे दें। अगर वामपंथ के लीडर बिहार के और लालू यादव जी चाहते, समझे ना, तो इनको बिकटापनी नहीं चलता बिहार में, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अभी जो बिहार का स्थिति है ये बिकटापनी से नहीं चलेगा कम। आज भी मैं कहता हूँ आरजेडी के तमाम लीडर को, नेताओं को, गांव में, जिला में, समाज में, आने वाले समय में ये हमारे जिस जहां पर हम डिबेट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे हैं भूपेंद्र नारायण मंडल जी, बड़े बड़े लोग इस मधेपुरा के हस्ती वाले लोग मंच पर जाके उसका साल में जयंती मना लेते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अरे मधेपुरा के धरती पर आप उनके विचार को आगे बढ़ाते हैं। हम तो देख रहे हैं कि जब भी आते मतलब कोई महान हस्ती की जयंती या पुण्यतिथि होती है तो एक फोटो के सामने जो है ना क्या कहते हैं कि माला अर्पण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दिया जाता है, खबरें छप जाती है जी। लेकिन उनके विचारों पर कि जन तक कैसे पहुंचाया जाए, जनों तक कैसे पहुंचाया जाए, ये हमने देखा। पहली बार हमने मधेपुरा में देखा कि सुदूर देहात में भूपेंद्र मंडल जी की जयंती मनाई जा रही थी, जहां ग्रामीण लोग सब मौजूद थे जिनको जानने की जरूरत थी कि भूपेंद्र नारायण मंडल जी की जीवन क्या है, वो कैसे जीते। मैं इसी सवाल पर मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हम वहां गए थे, हम रानीपट्टी मुरहो और ये मनहरा सुखासन के लोगों से कि ये कार्यक्रम जो एक साधारण गांव में वो बहिर्बन्ना के कतरहा गांव में मनाया गया, जहां वो वहां पर व्यवस्थापक राठौर जी थे, AISF के पूर्व नेता और AIYF के जिला अध्यक्ष, तो मधेपुरा में क्या हुआ और उनका जयंती अभी तक मनाया गया, और आज मधेपुरा में देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर रोड पर तलवार फहराता वो रामनवमी के समय में, और मुसलमान के समय में वो तलवार फहराता है मुहर्रम के समय में। मैं पूछना चाहता हूँ मधेपुरा के अपने अभिभावक से, जिन्होंने 20-30 साल पहले रिटायर किया अपने नौकरी से, कि आप हमको बताइए कि ये भूपेंद्र नारायण मंडल और बीपी मंडल जो दिए बिहार को और खास करके मधेपुरा को, उसमें कमी क्यों हमको दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप तमाम लोग जिम्मेवार हैं, और आप लोगों के कृपा पर आने वाले समय में जो ये जो मधेपुरा के जो अपने आप को सोशल समाज से सोशल सामाजिक लोग, एक से एक सामाजिक लोग कहता, हमको तो गुस्सा चढ़ता है, बुझे ना, हम जब मंच बनाते कहता फलना सामाजिक लोग, फलना समाजवादी लोग, फलना सामाजिक सुप्रीम तक कहते, अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े कार्यकर्ता, इतने बड़े बड़े हमारे अभिभावक, कथी का सामाजिक लोग, हम तो राठौर जी से आज तक हमको भेंट नहीं हुआ। उसके बाद हम पूछना चाहते थे, आप तो राठौर जी तो पगले में, नहीं नहीं अलोन सर आप ही थे वहां पर, आप मन संचालन कर रहे थे, कौन समाजवादी लोग, कौन सामाजिक लोग,
हमको बताइए, हम तो सीधा सरबर व्यक्ति है भाई, हमको जो मन मत, हम किसी जात पात और किसी किसी पार्टी का राजनीति में नहीं करता। मेरा ये नहीं, आप इन, आप इनसे हम पूछेंगे कुछ बोल भी मेरा ये, मेरा नहीं, ये आप हमको बताइए कि मधेपुरा में, मधेपुरा में एक से एक समाजवादी लोग हैं, हमको बताइए कि लालू यादव के विचार को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये भूपेंद्र नारायण मंडल, बीपी मंडल के विचार को मधेपुरा के धरती वाले लोगों ने कौन कौन आंदोलन किया और कौन कौन उन विचार को बचाना चाहा और कौन कौन उन विचारों के लिए काफी माने ये क्या कहा जाए कि उनको सहयोग किया, क्या कहेंगे हम, आप बताइए हमको। हम लोग शुरू कहीं और से हुए तो कहीं और राठौर जी जो कह रहे हैं, मेरा ये कहना, राठौर जी पहले पूछ लीजिए, जब बोलते हैं तो दोनों कहते हैं कि हम बोलते हैं, इस बार जब दोनों बोले तो हम साफ खामोश, हम शांत रहते हैं, साफ पसमांदा हो, मेरा ये साफ पसमांदा हो गया। हाँ हाँ भाई, आप पसमांदा को बोलने दीजिए, इसमें सबको पसमांदा की बात यहाँ नहीं हो रही है, आप बार बार पसमांदा, इसलिए इसलिए कह रहे हैं। अरे पसमांदा सुनिए, आप बड़ी पसमांदा पसमांदा करते हैं, पसमांदा तो कल जन्मा है, पसमांदा से पहले जो विचारधारा था, पसमांदा से पहले जो जन्म दिया था, हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सुनिए, जिसने पसमांदा को दिया, मंसूर साहब सुनिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चार को मानते हैं, आपको भी उस चारों के विचार को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, अभी तो पासमानदा कौन कौन मानदा ने जन्मा है उस पर मत चर्चा करिए, इसलिए चार पर विचार करने क्या करना, यही चारों पर विचार है, जो डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, हर आदमी की बराबरी का कमिटमेंट हुआ था, देश बार बार देश बार बार घूम के इन मुद्दों पे क्यों चला जाता है। मेरा ये कहना है कि सभी समुदाय के लोग हों, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था, सभी के लिए बराबर बात हो, देश के विकास की चर्चा हो, देश अगर बढ़ेगा तो सभी लोग बढ़ेंगे। और मैं बार बार, चूंकि भूपेंद्र बाबू की जयंती की बात हुई, तो ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि जितना सक्षम रहा लोगों ने किया है, सिर्फ वो किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता, ये मानिए इस बार बड़े स्तर पे मना है, प्रमंडल स्तर पे मना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी जगह पे मना है, और लोग जग रहे हैं, लोग अपने अतीत को सम्मान दे रहे हैं, जितना संभव है लोग जगेंगे, धीरे धीरे लोग करेंगे। आप हमको हमको वो लोग जलाए क्या है, वो तक पहुंचाने में अच्छा जो जगह, अच्छा जो जगह हुए हैं राजू राठौर जी, जो जगह हुए हैं वो बीपी मंडल और भूपेंद्र मंडल के विचार से कौन जगह दिया, कौन जगह सो बताइए, मैं एक लाइन में, हम आपके विचार से जगह क्या, हमको किसी ने जगाया भी मधेपुरा का क्या, एक लाइन में सीधी सी बात है कि जो वर्तमान अपने अतीत का सम्मान नहीं करेगा तो उसको भी बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, भविष्य भी उसका सम्मान नहीं करेगा, इसलिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम शुरुआत किए थे कि बिहार की और देश की राजनीति में आने वाले समय में 2024 क्या होगा, किंग मेकर कौन होंगे, ये बड़ा सवाल इस है पर आप इसको, लंबा इसको, इसको अंत अंत ये कहते हुए कि नीतीश के दूसरी तरफ जाने के बाद अब मामला दिलचस्प हो गया है, और निश्चित रूप से जो गठबंधन है, जो INDIA गठबंधन जो है, तो ये भी बात आ रही है कि ये भी सरकार एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, बड़ा सवाल है, ये भी गिरने वाली, और नीतीश के जाने के बाद बहुत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उधर के विधायक जो है से मतलब वो सरकार उनकी फिट हो गई है, जीतन राम मांझी ने इशारा किया है, और आज के डेट में आप जानते हैं कि कोई परमानेंट नहीं होता है, और ये बात स्वीकार कीजिए कि नीतीश कुमार अगर बड़े इंजीनियर हैं तो राजनीति में लालू प्रसाद यादव बड़े बाजीगर, और ये समीकरण लालू यादव बड़े बाजीगर हैं, जब तक जो है फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता है आने वाले कुछ समय में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि 2024 का चुनाव इंटरेस्टिंग होगा, ये कहते हुए कि किसी भी चुनाव में प्रधानमंत्री कौन होगा ये किसी का बपौती नहीं है, कोई क्लियर कर देगा, वो जनता तय करती है, और जनता के वोट के बाद लोकतंत्र कहता है कि सदन में जब लोग बैठेंगे उसमें तय होगा कि कौन उसका नेता है। तो ये 2024 का जो मामला है चुनाव का, जब चुनाव आयोग जब डेट घोषणा करेगी चुनाव प्रक्रिया हो, तो मुझे लगता है कि भविष्य के गर्भ में इस सवाल को रहने देना चाहिए, क्योंकि गर्भ में समय से पहले अगर बच्चा निकलता है तो वो स्वस्थ नहीं होता है, इसलिए इसको जो इसका कार्यकाल है वहां तक रहने दीजिए। उम्मीद कीजिए, हम उम्मीद करते हैं भारत जिस दौर से जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, भारत के लोग समझदार हैं, प्रौढ़ माने जाते हैं, व्यस्क माने जाते हैं, हमारा ये विश्वास है कि आने वाले समय में भारत को बेहतर प्रधानमंत्री और बेहतर नेतृत्व मिलेगा 2024 में, हम इसके प्रति जो है प्रतिबद्ध है और कामना भी यही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आज के इस मुद्दे पर डिबेट में शामिल हुए, अपनी बातों को रखा। नहीं नहीं, बिहार में लोग जब तक सही नहीं होंगे, अच्छा ये गठबंधन जो है, ये RJD, ये कांग्रेस कम्युनिस्ट, ये तमाम लोग अगर सजग नहीं होंगे तो भारी समस्या है आने वाले समय में। अगर EVM पर अगर रोक नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में BJP की सरकार बनेगी,
हमको चापलूसी करने नहीं आता, इसलिए उस ईवीएम पर रोक लगे और ये गठबंधन का जो लोग है ये पूरे फील्ड में समाज में देहात में जाए घूमे और अभी से तैयारी करे। अगर इन लोगों ने तैयारी किया तो बीजेपी और यूनाइटेड का सरकार देश में कहीं से नहीं बन पाएगा। चलिए, लेकिन इसके लिए लास्ट में अपनी बात कुछ रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहेंगे। जब इतने विद्वता से राठौर जी ने अपनी बात कह के हमारा समर्थन कर दिए तो हम धन्यवाद करते हैं। अंतिम में राठौर जी वही आ गए, राठौर जी वही आ गए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि नीतीश जी डेवलपमेंट के मॉडल है। नीतीश जी का डेवलपमेंट रुक जाता, नीतीश जी का, चूंकि उस समय कह रहे थे कि नीतीश जी ने ऐसा क्यों फैसला लिया, नीतीश जी इनको लगा कि चुनाव आ जाएगा, मध्यवर्ती चुनाव आ जाएगा, नीतीश जी ने बिहार को चुनाव से बचा लिया। नहीं, ये लाइन नहीं है। दरअसल ये है कि नीतीश जी जो डेवलपमेंट लगातार पिछले 18-17 साल से कर रहे हैं उसको ब्रेक नहीं लग जाए, इसलिए नीतीश जी ने अपने काम को कंप्लीट करने के लिए इस तरह का कदम उठाए और वो कदम उठाने के लिए परिस्थिति है। अब रही बात जनता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता 24 के चुनाव में नीतीश जी किंग मेकर होंगे और देश की जनता, बिल्कुल पूरी दुनिया को पता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, वो कहने की आवश्यकता आपको नहीं है। पूरी दुनिया में ग्लोबल लीडर बन के पूरी दुनिया के पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में इवन के रजी जी मैं कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि पहली बार मिडिल ईस्ट जो है, जिसको आप कहते थे मध्य पूर्व का देश, जिसमें सऊदी अरबिया है, जिसमें इराक है, ईरान है, तमाम गल्फ के लोगों को भारत के प्रधानमंत्री ने गले लगा लिया है और पूरे दुनिया में जो है ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं। इसलिए ये सवाल मत कीजिए कि प्रधानमंत्री नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल कोई इस्लामिक, आपको पता नहीं है अभी तमाम पूरे वर्ल्ड के इस्लामिक देश जितने हैं उन्होंने देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को पूरी तरह से गले लगाया है। तो नीतीश कुमार धर्म के मुद्दे पर एक बार स्पेशल बहस हो तब देखा जाएगा प्रधानमंत्री कितने सबके हैं, ये तराजू पे तोल लिए। भारत के बारे में हमेशा कम्युनिस्ट का मॉडल रहा, कांग्रेस का मॉडल रहा कि भारत विकासशील राष्ट्र है। भारत विकासशील राष्ट्र नहीं है, दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ राष्ट्र है और वो तमाम उभरते हुए राष्ट्र का पांच पांच कोई कष्ट नहीं है। कर्ज इतना कम है, कर्ज नहीं है, कर्ज इतना कोई खड़ा चूंकि जितने भी प्रधानमंत्री आए उससे कई गुना ज्यादा कर्ज नहीं है। जो आप जिसको कर्ज करके प्रचारित कर रहे हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट है। हर कंट्री अपना इन्वेस्टमेंट भारत में कराता है। भारत में एक इन्वेस्टमेंट बताइए, अरे भाई ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में, अरे कहाँ पे, देश में, आप देश में आज डिजिटल इंडिया में बैठ के बात कर रहे हैं, इसकी देन है, बताइए ना, देन है, ये क्रेडिट है। ये जो माइक लेके आप खड़े हैं और ये जो माइक लेके खड़े हैं और डिजिटल इंडिया का है, दलाल है, नौ नवासी का मॉडल नहीं है, ये डिजिटल इंडिया का प्रभाव है। डिजिटल इंडिया ने आपको आज के डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जनता तक पहुँचने का आपको माध्यम दिया और उसका पूरा क्रेडिट जो है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जाता है। इतने पहुंच रहे थे क्या जनता के पास, जनता को पहुंचने का माध्यम डिजिटल के कौन है, कौन ये फेसबुक जो चल रहा है, किसका मॉडल, किसका है ये, किसका मॉडल है, इस देश के प्रधानमंत्री ने, ये हमने मोदी जी का नाम ले लिया। मैं कह रहा हूँ इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इसमें आप क्रेडिट देना चाह रहे हैं, चूंकि वही है ना, एक लाइन में वही दे रहे हैं ना, वही कर रहे हैं ना, आज जितना भी कुछ कर रहे हैं पूरी दुनिया के पास पहुंच रहे हैं, उसका एकमात्र क्लियर कट कर चुका है। एक बात यहाँ क्लियर कीजिए, इनका कहना है कि मोदी जी विश्व पटल पे जो है विकास, बिल्कुल 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 मेरी बात सुनिए, विकास पुत्र है, निश्चित रूप से मानिए। मोदी जी ने कहा हमारे यहाँ एक दिन में एक यूनिवर्सिटी खुल रही है, सप्ताह में जो है दर्जनों मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इतना पैरामेडिकल कॉलेज खुल रहा है। आप मेरे को, मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि इतना एयरपोर्ट बना है, आप इनके कार्यकाल का एक एयरपोर्ट, एक यूनिवर्सिटी आप कहीं खोज के दिखा दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा।
ये माइक पे डाटा लंबा लंबा बात करते हैं भाई। गया में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोदी जी ने बनाया, शासन साल के 10 साल होने, राजीव रमन जी एक डाटा, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, 9 साल के कार्यकाल में एक भी नहीं। क्या ऐसी आवश्यकता नहीं है? क्यों नहीं ऐसी आवश्यकता ही नहीं है? अरे भाई डेली मोदी जी जनता से संवाद कर रहे हैं, डेली मोदी जी जनता से संवाद कर रहे हैं, अरे लगातार जनता के बीच में खड़े हैं मोदी जी का। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बच क्यों रहे? लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस से बच, कहां किसने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस से बच रहे हैं? डेली जनता के बीच में है मोदी जी। अरे भाई साहब रोज कैंपेन कर रहे हैं, रोज जनता के बीच में है। इससे पहले लगातार क्या चेंबर में बैठे? आप उनसे पूछिए ना, हमसे मत पूछिए। हम तो आज के बाद में हम तो आज देख रहे हैं कि जनता से अभी उठेंगे, पिछला किसी को नहीं अभी हम जाएंगे टीवी पे, हमको सिर्फ जनता से संवाद हमारा प्रधानमंत्री का मिलेगा, जनता के बीच हमेशा है। ये तो देखना आपको न है कि लगातार आप रहते थे, आप कहाँ हैं मंसूरी जी, आप कहाँ हैं? राजीव रमन जी अपने डिबेट को आप कंक्लूड कीजिए ये कहते हुए कि आप इनका भी जो है स्टेटमेंट है स्क्रीनशॉट रखिए कि नीतीश कुमार किंग मेकर होंगे, हमारा भी स्क्रीनशॉट रखिए कि 2024 के चुनाव में नीतीश न ई डगरा में होंगे न उ डगरा में होंगे, नीतीश न ई खेत के होंगे न उ खेत के होंगे। लिख लीजिए नीतीश का जो आदत है जिधरे दही उधरे सही, बिल्कुल कभी नहीं कहा नीतीश जिधर दुनिया उधर, और नीतीश जी जो है नीतीश जिधर बिहार उधर, छोड़िए ना वो बात को, वो नहीं है मेरी बात, वो बिल्कुल नहीं है। हर बात नोट कर लीजिए, आप सुनिए झगड़ा का कैसे बगैर कर दीजिएगा नीतीश कुमार जी, सुनिए तो नीतीश कुमार जिधर उधरे सब। मंसूरी जी अभी इस बार अगर इंडिया गठबंधन अगर सजग हो जाए अभी से तो नीतीश कुमार, अरे अभी तक इंडिया का, अरे हाँ, इंडिया का बिहार में जो नीतीश कुमार गठबंधन किसी खेत का मूल्य नहीं बताना बिहार में नहीं है, ये कहता हूँ। लेकिन सजग हो इंडिया गठबंधन में 12 तारीख इंडिया गठबंधन में ये नहीं है, ये बात इंडिया 12 तारीख के बाद हम लोग फिर बैठेंगे, 12 के बाद हम लोग फिर बैठेंगे एक नए मुद्दे के साथ, बिहार की सियासत के जो हालात सामने सामने आएंगे। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, दोनों स्क्रीन शॉट होना चाहिए, रख लीजिएगा बिल्कुल रख लीजिएगा। नीतीश कुमार किंग मेकर, इनका कहना है नीतीश किंग मेकर, मंसूरी साहब का कहना है नीतीश ना ई डगरा ना ऊ डगरा, नीतीश की राजनीति, नीतीश कुमार किंग मेकर लिख दीजिए। बिहार में एक बड़ा नेतृत्व उभरने वाला है, बिहार में भविष्य में कोई नहीं उभरने वाला है, 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार किंग मेकर होंगे, या राठौर जी ने जो कहा कि ना इधर ना वह डरगा के बैगन होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज के इस डिबेट को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर दोबारा हम एक नए विषय के साथ आप लोगों के साथ सामने होंगे, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं, धन्यवाद।